राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नात है, तेरो आधीन, सो तेरो आधीन। ये राधा माधव कुंज राधा माधव कुंज बिहारी, जय 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 राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंद शोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंद
Hare
यमुना जल पानी तुक मिले रसिको की सदा और पीबन को यमुना जल पानी हमें औरन की परवाह नहीं अपनी हतुरानी सिरानी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद
गौर हरि हरि गौर हरि गौर हरि युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की श्री राधा गोविंद हरि भगवान की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की श्री रूपाल की निताय गौर प्रेमानंद आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रज बधू वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्तो श्रीचैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरो नः पर वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीतांबर दरुण बिंब फल दरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम् न जाने कर्पूर गौरम् करुणावतारम् संसार सारम् भुजगे सदा वसंतं हृदयार विन्दे भवं भवानी सहितं नमा गृहे गृहे गो वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाययो पुण्यानि नामा निपटन्ति नित्यं गोविंद दामो धर्माधवे ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिए दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके भगवते वासुदेवाय
वासुदेव वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जय। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन नेपाल काठमांडू के ब्रह्मचारी एवं वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से पधारे हुए अतिथि मेहमान महानुभाव एवं आधुनिक उपकरणों के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले देश विदेश के समस्त श्रोतागण, श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस में पुनः एक बार आप सबका स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। श्रीमद् भागवत सफल बालक। एक बार सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने चला, और उस समय सिकंदर के गुरु, आप जानते हैं सिकंदर के गुरु का नाम, सिकंदर के गुरु का नाम था अफलातून। वैसे हमारे देश में समाज में इस शब्द का इस्तेमाल किसी और अर्थ के लिए किया जाता है। कोई पूछता है कैसा लग रहा है अफलातून। सिकंदर के गुरु का नाम था अफलातून। और एक ऐसी घटना है, एक दिन अफलातून सिकंदर के पास आए और कहा सिकंदर ने कि जो भी है तुम भले मेरे गुरु हो, तुम मुझे भले ज्ञान देते हो, लेकिन मैं सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट, चलो मैं कहता हूं कि तुम घोड़ा बनो। अब ये तो सिकंदर था, द ग्रेट सिकंदर, बड़ा आतंकी सिकंदर। सिकंदर के गुरु अफलातून घोड़ा बन जाते हैं और सिकंदर उसके ऊपर बैठ जाता है। यह सत्य घटना है। सिकंदर ने कहा अफलातून गुरुजी आप भले मेरे गुरु हो, लेकिन मैं आपके ऊपर बैठा हूं। उस घोड़ा बने हुए उस गुरु अफलातून ने सिकंदर को इतना ही कहा, सिकंदर मैं तेरे नीचे
मैं गुरु तेरा गुरु हूं, और गुरु का स्थान सदैव ऊपर होता है। गुरु माने महान, गुरु माने बड़ा। आज तेरे नीचे तेरा गुरु नहीं बैठा, तेरे नीचे संसार की बहुत बड़ी आसक्ति, मोह, माया और ममता बैठी है। सिकंदर, मुझे तेरे पैसों में आसक्ति है, मुझे वेतन में आसक्ति है, इसलिए मैं तेरे नीचे बैठा हूं और तू मेरे ऊपर बैठा है। जगत की आसक्ति, ये धन संपत्ति की आसक्ति बड़े बड़े को झुका देती है। खैर, मैं तो कुछ और कहना चाहता हूं। सिकंदर जब अपने घर से, अपने राज्य से निकला पूरी दुनिया जीतने के लिए, तो गुरु अफलातून ने कहा था कि भारत के किसी संत को मिलकर आना। सिकंदर भारत को जीतकर जब वापस लौट रहा था, और भी एक घटना है कि रास्ते में एक संत को देखा, उस संत की कुटिया में गए। संत ने कहा, आप कौन? बोले, मैं द ग्रेट सिकंदर, मैं महान सिकंदर। बोले, यहां क्यों आए हो? अभी तो भारत का फक्कड़ बाबा संत था। बोले, यहां क्यों आए हो? बोले, तुम जानते नहीं मुझे, मैं पूरी दुनिया को जीतने चला हूं, मैं लगभग पूरी दुनिया को जीत चुका हूं, मुझे नहीं जानते? भारत के उस संत ने कहा कि भाई, तू दुनिया को जीतकर करेगा क्या? क्या तुझे मिलेगा क्या? सिकंदर ने कहा, सारा धन लूटकर मैं मेरे देश लेकर जाऊंगा। फिर सिकंदर ने कहा, बाद में मैं बहुत बड़ा घर बनाऊंगा। भारत के संत ने कहा, घर बनाकर क्या करेगा? उस घर में बहुत सुंदर बेडरूम बनाऊंगा। अच्छा, बेडरूम बनाकर क्या करेगा? बहुत सुंदर बिस्तर बेड बनाऊंगा। बोले, फिर क्या करेगा? फिर आराम से सोऊंगा, अल्टीमेटली आराम से सोऊंगा। बोले, तू आराम से सोना ही चाहता है तो बाजू में बिस्तर पड़ा है, सो जा मेरे साथ, मेरे जितना आराम किसको है। सिकंदर उस घर में रुका, और वो ब्राह्मण जो थे, वो साधु जो थे, वेद पढ़ रहे थे, ऐसा इतिहास है। सिकंदर उस वेदों को जलाना चाहता था, उसे नष्ट करना चाहता था। उस साधु ने कहा कि ठीक है, तुम जला देना, लेकिन कल सुबह जला देना। आचार्यों के मुख से सुना है कि सिकंदर सो गया, और सुबह उठकर देखा, बोले, वो वेद में जलाना चाहता हूं। उस ब्राह्मण, उस साधु ने कहा, जला दो, मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि रात भर ये वेद मैं बोला और मेरे बेटे ने याद कर लिया। तू पुस्तक जला सकता है, लेकिन ये वेद शास्त्र, ये ग्रंथ जो हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में आ चुका है, तू उसे नहीं जला सकता। वही बालक सफल है जो ग्रंथ और पुस्तक का ज्ञान अपने दिमाग में रखता है। आज वर्तमान में समाज की बड़ी करुणा है कि फोन स्मार्ट हो गए, लेकिन आदमी बदमाश बनने लगा। यद्यपि आदमी को स्मार्ट होना चाहिए। मुझे याद है कि एक ऐसा जमाना था, लोगों को 100-100, 200-200 मोबाइल नंबर मुंह जुबानी याद रहते थे। फलाने का नंबर क्या है, सीधा बोल देते, उसका नंबर क्या है, सीधा बोल देते थे। लेकिन जब से ये स्मार्टफोन आया है, आदमी को अपना नंबर ही याद नहीं रहता है। बोले, आपका नंबर क्या है? फोन में देखकर बताते हैं। धीरे धीरे स्मृति शक्ति नष्ट होती जा रही है। सफल बालक वो है जो जीवन के सूत्र को पत्ते पर नहीं, अपने दिमाग में रखे। मैं तत्कालीन मुझे एक बात याद आई। कभी कभी हम प्रवचन करते ना, तो कुछ लोग बड़ा लिखते हैं। हम जब प्रवचन करते हैं तो मैं देखता हूं, यहां भी कई लोग लिख रहे हैं। लिखना अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग तो इसलिए लिखते हैं कि अब हमें दूसरों को सुनाना है।
मतलब मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि हम ये जो कुछ भी सुन रहे हैं हमारे लिए नहीं है, ये तो दूसरे के लिए है। और ये सत्य भी है कि जब हम कुछ सुनते हैं और लिखते हैं तो 60% हमें वैसे ही याद रह जाता है। लेकिन मैं आपको मेरे दिल की भावना कहूं कि जब कोई साधु अपने हृदय से कुछ शब्द बोलता है, जब 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 कोई कोई हृदय से अपने चित्त से भावनाओं से बोलता है, वो शब्द सुनने वाले के हृदय में आता है। हृदय से बोले जाने वाले शब्द सुनने वाले के चित्त हृदय में आते हैं। और उस समय यदि हम लिखने में पड़े रहे तो जो शब्द हमारे दिल में जाने चाहिए वो पेपर पे आ जाते हैं। और पेपर पर आया हुआ शब्द दिल में आएगा या नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मैं साधकों से निवेदन करूं, जब कथा सुनने बैठते हैं दिल से सुनिए, क्योंकि दिल में आने वाला शब्द सीधा दिल में आए, कहीं पेपर पर न रह जाए। और मैं सच कहता हूं, जो लोग लिखते हैं ना, अच्छी बात है, लिखना बुरा नहीं है, हमने भी बहुत लिखा है, तब जाकर ये बोल सकते हैं। लेकिन कथा सुनते समय जो लिखते हैं वो कथा के रस से, कथा के आनंद से वंचित रह जाते हैं। कथा में भावना बहती है और फिर लिखने में दिमाग चलाना, ये सफल बालक के विषय में कह रहा हूं। एक बार एक लड़का था, लगभग 10 साल का होगा, 5वीं कक्षा में पढ़ता होगा। उस लड़के का नाम था वोपदेव। क्या नाम था? वोपदेव, याद रखिएगा, आपको अपने जीवन में बड़ा काम आएगा। सो वोपदेव नाम का एक बालक, ये सत्य कल का इतिहास है, ये हमारे देश की बनी हुई घटना है। वोपदेव लड़का था और पढ़ने में बड़ा कमजोर था। जो लोग पढ़ने में कमजोर है ना, पढ़ने से याद नहीं रहते हैं, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम तो 10वीं फेल है, लेकिन फिर भी आपसे 5-10 फुट ऊपर बैठा है। बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर हमको सुनने आते हैं। पढ़ने में कोई फेल हो गया तो निराश होने की जरूरत नहीं है, वो कक्षा में फेल हुआ है, जीवन में कोई फेल नहीं हुआ। और जितने भी लोग आज विश्व में, जितने भी लोग सर्वोच्च पद पर हैं, वो सब मेरी तरह पढ़ने में फेल हुए हैं। इसमें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है वक्ता। किसी की रुचि पढ़ने में, किसी की रुचि कुछ और याद करने में होती, किसी की रुचि कुछ और याद करने में, अपनी अपनी रुचि होती है। आजकल माता पिता अपने बच्चों को कहते हैं कि बस तुझे पहला नंबर लेकर आना है, दूसरा नंबर लाना है, और कम से कम तीसरा नंबर तो लाना ही है। आजकल के पेरेंट्स, माँ बाप अपने बच्चों को रेस का घोड़ा बना कर रखे हैं, अपने बच्चों को इतना प्रेशर, बस तुझे कैसे भी करके फर्स्ट रैंक लानी है, सेकंड या थर्ड। जिसे रेस में घोड़ा दौड़ते ना, वैसे बच्चों को दौड़ाते हैं। और फिर आजकल के बच्चे बस ये मान लेते हैं कि बस हमको पहला नंबर लाना, दूसरा नंबर लाना, वो नंबर के पीछे पड़े रहते हैं जीवन में। बस उसके उसके जीवन में नंबर ही सब कुछ होता है, भावनाओं से कोई मतलब नहीं होता। इसलिए हम देखते हैं पढ़े लिखे लोगों में भावना नहीं होती, दिल नहीं होता, क्योंकि जीवन भर नंबर के पीछे पड़े रहते हैं। हम बस हमारे बच्चों को स्कूल से आता, कितना पढ़ा, कितना याद किया, कितना मार्क्स लेकर आया, कभी यह पूछा कि बेटा तू किसी दुखी जीव को देखकर, दुखी आदमी को देखकर तुझे हृदय में दुख होता है? बेटा आज तू क्लास में जब पढ़ने गया, तेरा कोई मित्र, तेरा कोई विद्यार्थी भूखा था, तूने अपने भोजन से किसी को भोजन दिया? बस बस मेरा घोड़ा आगे होना चाहिए।
भक्तों ये नंबर बड़ी चीज नहीं है। मैं फिर से आपको कहूं, इस दुनिया में जितने भी सर्वोच्च पद पर है कोई नंबर के चक्कर में नहीं पड़े, और नंबर के चक्कर में पड़ गए संसार की जो अनुभूति है, जो 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 दिल है, दिल की जो भावना है, उसे हम पहचान नहीं पाएंगे। हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर कितना पड़े हैं बेचारे, जीवन में इतनी गरीबी, चाय बेचते थे, लेकिन आज पूरी दुनिया को हिला कर रख दिए हैं, पूरी दुनिया काम रही है। अनुभूति महत्वपूर्ण वस्तु है। केवल हिस्ट्री ज्योमेट्री आपके मैथ्स में नंबर लेकर आए, इससे किसी बालक का जीवन सफल नहीं होता है। संसार को समझने की भावना, मेरी दृष्टि से वह बालक और वह व्यक्ति सक्सेस है जो दूसरे व्यक्ति को समझने की शक्ति रखता है। वही सफल बालक है जो दूसरे को, अपने मां बाप को समझे। मेरी मां मुझसे क्या चाहती है, मेरे बाबा मुझसे क्या चाहते हैं, समाज देश है? मैं आपको क्या कहूं, हमारे देश के प्रथम, हमारे देश को जिन्होंने आजाद करवाया, गांधी जी। गांधी जी जब संसद में बैठते थे और सारे सांसद आते थे पूरे भारत को चलाने वाले, गांधी जी एक भजन गाते थे। गांधी जी की प्रत्येक मीटिंग एक भजन से शुरू होती थी। मानो इस्कॉन की दृष्टि से देखो, गांधी जी का ये राधा माधव था। प्रत्येक मीटिंग के प्रारंभ में गांधी जी एक भजन गाते, हमारे गुजरात के संत नरसिंह मेहता की रचना थी। और वो भजन क्या था, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पर आई जाने, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आने, वैष्णव जन तो तेने कहिए। ये गांधी जी, पूरा विश्व जिसे महात्मा कहता है। तो गांधी जी कहते, वैष्णव वो है, जेंटलमैन वो है, सज्जन पुरुष वो है जो दूसरों की पीड़ा समझे, जो दूसरों के दुख समझे, दूसरों को समझने की जिसकी जिसमें अधिक भावना, जो दूसरों को अधिक समझ सकता है, मेरी दृष्टि से वो सफल है, सफल बात। बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े अच्छी बात है, लेकिन अपने बच्चों को दूसरों को समझने की शक्ति प्रदान करें। खैर, एक बालक था, वोबदेव नाम था उसका, और पढ़ने में बेचारा कमजोर था। अब लगभग पूरे गांव के साथ पढ़ चुका था, इसका मतलब जानते हैं, गांव में किसी को भी पूछो, वोबदेव हाँ मेरे साथ मेरे क्लास में पढ़ता था, वोबदेव मेरे क्लास में पढ़ता था, क्योंकि उनके साथ पढ़ने वाले बच्चे आगे चले जाते थे, ये तो वहीं का वहीं बेचारा। अब वो क्लास टीचर भी कितना प्रमोट करे, प्रमोट होता है ना, कुछ मार्क्स भी दान में देते हैं, तो कितना करे, कितना कितना इसको धक्का मारे, एक बार फेल, दो बार, तीन बार, पांच बार, दस बार, ये इतनी बार फेल हो रहा था, इतना कमजोर बालक। तो अब तो इतना हुआ कि पूरे स्कूल के टीचर, प्रिंसिपल, ट्रस्टी सब लोग आपस में मिले, मीटिंग की, और एजेंडा क्या था, वोबदेव। बोले ये लड़का हमारे स्कूल का नाम बिगाड़ रहा है, हमारा स्कूल का नाम, हमारे स्कूल की रेटिंग जो है घट रही है, स्कूल का नाम बिगड़ रहा है, ये वोबदेव बार बार फेल हो रहा है, क्या करे क्या करे। बोले स्कूल के नाम को बचाने के लिए इसको निकाल दो स्कूल से। लिविंग सर्टिफिकेट दे दिया और वोबदेव के हाथ में पकड़ाया, बोले कल से स्कूल में मत आना। 10 साल का बालक, हाथ में लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल से निकाल दिया, अब क्या करे, अब घर पर क्या मुंह लेकर जाए। इतिहास ऐसा कहता है कि वो वोबदेव घर पर नहीं गया, गांव में एक कुआं था, कुएं के सामने एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे बैठा सर्टिफिकेट हाथ में लेकर। मेरे जैसा होगा,
सर्टिफिकेट भी ठीक से पढ़ने को नहीं आता था, लिविंग सर्टिफिकेट निकाल दिया। लेकिन वोपदेव हाथ में लेकर सोच रहा है कि यार मैं पढ़ने में इतना कमजोर क्यों, क्यों क्यों मैं फेल होता हूं, क्यों मेरे से कुछ नहीं हो पाता है। अब देखो वो पेड़ के नीचे बैठकर बार बार सोच रहा था, वो बात दिल पर लग गई क्योंकि ये लोग ने स्कूल से निकाल दिया। उसी समय उस 10 साल के बालक वोपदेव की दृष्टि कुएं के ऊपर गई। कुआ जानते ना, वेल कुआ। पहले के जमाने में कुएं की बाउंड्री तो हुआ करती थी, लेकिन सिस्टम नहीं थी, वो चक्कर होता है ना, चक्कर से रस्सी नीचे जाती, वो चक्कर नहीं था। कुएं की बाउंड्री पत्थर से बनी हुई थी और रस्सी बांध बाल्टी से रस्सी बांध कर कुएं में डालते और रस्सी ऐसे खींचते, तो वो पत्थर के ऊपर रस्सी घिसती थी और घिसते घिसते पत्थर में एक रेखा हो गई और फिर उसी में रस्सी फंस जाती, समझ रहे हैं। तो वहां से रस्सी बाल्टी बांध कर डालते, पानी भरकर खींचते, डालते खींचते डालते, वोपदेव देख रहा है कि बार बार ये रस्सी इस पत्थर पर घिस रही है और रस्सी से पत्थर टूट गया, पत्थर टूट गया, ऑलमोस्ट पत्थर के दो भाग हो गए। वोपदेव उस बालक ने सोचा कि रस्सी से यदि पत्थर को तोड़ा जा सकता है, बार बार रस्सी को घिसने से यदि पत्थर टूट सकता है, तो बार बार किसी वस्तु को पढ़ने से याद करने से मुझे वो याद क्यों नहीं रह सकता है, मेरा दिमाग पत्थर जितना तो कठोर नहीं है। उस बालक को वहां से एक शिक्षा मिल गई कि किसी भी वस्तु को बार बार पढ़ो, बार बार सुनो। जैसे भोजन करने से शरीर को पोषण मिलता है, कथा सुनने से आत्मा को पोषण मिलता है, यह आत्मा का आहार है। सुवोपदेव ने यह सोचा कि किसी भी वस्तु को बार बार करने से वो याद रह जाएगा। अब स्कूल में तो लिविंग सर्टिफिकेट स्कूल में तो जा नहीं सकता था, अब क्या करें। तो वोपदेव ने क्या किया, अब स्कूल में तो पढ़ नहीं सकता, भगवत गीता को हाथ में उठाया और दिमाग में फिट हो गया कि किसी भी वस्तु को बार बार माने अभ्यास करोगे याद हो जाएगा, अभ्यास होना चाहिए, क्यों याद ना हो। पत्थर के ऊपर रस्सी घिसने का अभ्यास हो तो पत्थर टूट जाए तो हमारा दिमाग पत्थर तो नहीं है, हमें क्यों याद ना रहे। वोपदेव बार बार भगवत गीता का एक श्लोक बार बार पढ़कर पढ़ने लगा, याद हो गया, दूसरा श्लोक याद, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसा करते करते कुछ ही समय में वोपदेव ने गीता के 700 श्लोक बाय हार्ट कर लिए। ये सत्य इतिहास है, श्रील प्रभुपाद ने इनका नाम भागवत में लिया है। और फिर वोपदेव ने उठाया भागवत, भागवत भागवत के श्लोक बार बार पढ़ते गए, श्रीमद भागवत के 18,000 श्लोक याद हो गए इस बालक को। अब घटना ऐसी घटी कि इसे गीता भागवत सब सारे शास्त्र मुंह जुबानी बाय हार्ट हो गए और उसी समय मोगलों का शासन हमारे देश में भारत में आया। और ऐसा वर्णन है कि मोगल मुसलमान की मोगल सेना ने 6 महीने तक भारत में रही और 6 महीने तक उन्होंने जो भोजन बनाकर खाया, उस भोजन का जो ईंधन था वो भारत के वेद थे। सारे वेद, हमारी संस्कृति पर बड़ा प्रहार हुआ इनका, सारे वेद जलाकर राख कर दिए और उसमें हमारे मूल भागवत और गीता की जो लिपि थी वो भी जलकर भस्म हो गई। जब ये मुगल सेना चली गई, भारत का साधु समाज एकत्रित हुआ कि मनुष्य जीवन का उद्धार करने के लिए गीता और भागवत ये सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ थे, लेकिन इन्होंने जला दिए, अब क्या किया जाए, हमें कैसे भी करके इस मानव समाज के लिए गीता और भागवत चाहिए, क्या करें। किसी ने कहा कि एक लड़का है, उसे गीता भागवत दोनों याद है, बुलाओ उस लड़के को। वोपदेव को बुलाया गया, बोले बेटा गीता याद है, बोले हाँ,
बोले बोलो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेत आयुचो माम का पांडवा शिव किम कुर जांजावा तूफान की तरह 700 श्लोक बोल दिया। बेटा तुझे भागवत याद है? बोले याद है। एक पानी का ग्लास दोगे? क्योंकि गीता बिना पानी पिए बोल दिया। एक पानी का ग्लास पिया और भागवत शुरू किया। जन्मादस्य तो आदि तरह चार्थे शुभिज्ञ स्वरार्थे ने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यत सूर्य तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र ति सर्गो मृषा धाम नास्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि धर्म प्रोजित केत वोत परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद भागवते महामुनि कृते किंवा परे ऋषवे सत्य ही अवरुद्धते कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् नैमिषे निमिषे क्षेत्रे रुषे शौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय शुरू कर दिया। थोड़ा बहुत तो हम भी जानते हैं, भले दसवीं फेल है, वो भी शुरू कर दिया और 18,000 श्लोक रिकॉर्ड हो गए, लोगों ने लिख लिए। लेकिन तो धमाका मच गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सारे प्रेस वाले आए, बहुत बड़ी मीटिंग हुई और सबसे पहला प्रश्न प्रेस रिपोर्टर ने पूछा कि इतना इतना श्लोक याद है, किस स्कूल में पढ़े हो आप? कहां कहां तुम पढ़े हो? कौन सी स्कूल में तुम्हारी शिक्षा हुई? तब उस बालक वोपदेव ने कहा कि जिस स्कूल में मैं पढ़ा ना, उसने तो लिविंग सर्टिफिकेट देकर मुझे स्कूल से निकाल दिया था, क्योंकि पढ़ने में बड़ा कमजोर था। तो बोले आपको इतना कुछ याद रह गया? वोपदेव ने एक ही वस्तु कहा, अभ्यास। अभ्यास जीवन में अभ्यास करेंगे सब कुछ समर्थ है। अभ्यास एक ऐसी वस्तु है, कुछ नामुमकिन नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल यदि हम अभ्यास करें। जीवन में अभ्यास होना चाहिए। सुसफल बालक वो है जो अभ्यास करे, और अभ्यास करते हुए ये ज्ञान को, वेदों को, शास्त्र को पुस्तक में न रखे, मोबाइल में या कंप्यूटर में नहीं, अपने दिमाग में रखे। सफल बालक ये है। बार बार कहा गया गुरु ग्रहण करे, गुरु ग्रहण करे। तो समाज में प्रश्न होता है कि भाई गुरु किसको बनाए, क्योंकि इस दुनिया में 99% गुरु बोगस है। आज गुरु बनाए तो कल जेल में होता है। अब बनाए तो किसको गुरु बनाए? बड़ी तामझाम होती है, हमारे फलाने गुरु 108, 1008, 1,08,000, 1,08,00,000 उस्ताद बाबा बंगाली, बड़े बड़े गुरु, आज गुरु कल जेल में, किसको गुरु? ये बात सत्य है कि इस वर्तमान युग में सच्चे गुरु को पहचानना कठिन है। डॉक्टर समझ में आ जाता है कि ये डॉक्टर MBBS डिग्री सफेद कोट ये डॉक्टर है, पुलिस वाले को भी पहचान सकते हैं, इंजीनियर को पहचान सकते हैं, लेकिन साधु को पहचानना आज बड़ा कठिन हो चुका है, क्योंकि कलयुग में पाखंडी लोग साधु का वस्त्र पहनकर संसार को लूटने चले हैं। ऐसे तो लूट नहीं सकते, ऐसे तो मंदी चल रही है, काम धंधा बिजनेस कर नहीं सकते, तो बचा क्या है? साधु बनो और जगत को लूटो। और हमारे देश की भोली जनता इन लोगों के बहकावे में आ जाती हैं और अंधश्रद्धा में बह जाती हैं। श्रद्धा होनी चाहिए, अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, जीवन में कोई भी निर्णय लो, अध्यात्म में आगे बढ़ने से पहले शास्त्र की चक्षु से गुरु को परखो, गुरु की वाणी को, गुरु के सिद्धांत को परखो। भगवान ने हमें शास्त्र दिए हैं, शास्त्र के माध्यम से हमें परखना चाहिए सच्चा गुरु कौन, बोगस गुरु कौन। पिछली कथा में मैंने कहा था कि गुरु वो है जो राम कृष्ण विष्णु का भक्त है, गुरु वो है जो अपने आप को कभी भगवान नहीं मानता, गुरु वो है जिनकी इंद्रियां उनके कंट्रोल में है, गुरु वो है जो बोलते हैं उनका आचरण अपने जीवन में करते हैं, गुरु वो है जो ईश्वर के द्वारा बनाए हुए संप्रदाय के अंतर्गत दीक्षित है, परंपरा में है।
तो देखिए गुरु को कैसे पहचाने, किसकी शरण ग्रहण करें। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में कहा, तस्मात गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। जो अपना उद्धार चाहता है, अर्थात जो इस प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुका है कि बस अब बहुत हो गया, अब इस संसार से सुख नहीं मिल सकता, अब ये दुनिया में मैंने बहुत बहुत हाथ पांव मारे, बहुत भागदौड़ की, बहुत मेहनत किया, जब इस संसार का वास्तविक अनुभव हो जाए तब गुरु की आवश्यकता है। सबको गुरु की जरूरत नहीं है, अपने जीवन में खाओ पियो ऐश करो यार, मौज करो, नया फिल्म आया है तो देख कर आ जाओ, रेस्टोरेंट में जाओ खाओ पियो ऐश करो, लेकिन ये सब कुछ करने के बाद भी जब जब अनसेटिस्फाइड रहो, असंतोष रहे और मन में ऐसा हो कि यार ये सब कुछ करते हैं फिर भी जीवन में सुख नहीं मिल रहा, और जब सच्चे सुख की इच्छा होने लगे, जब वास्तविक सुख की कामना होने लगे, तब तब गुरु की आवश्यकता है। तो तस्मात गुरुम प्रपद्येत, गुरु की शरण में जाओ, जिज्ञासु जिज्ञासा लेकर। लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए? शाब्दे परेच निष्णांतम। गुरु जो है शब्द ब्रह्म में निष्णांत होने चाहिए, ये भागवत की व्याख्या बता रहा हूं। गुरु शब्द ब्रह्म में निष्णांत माने गुरु को भगवत तत्व, शास्त्र और सिद्धांत पूर्ण रूप से याद होने चाहिए। आजकल क्या होता है कि बहुत बड़े गुरु के पास जाते हैं और गुरु से कुछ सुनना चाहते हैं, हमारे गुरु जी मौन है। मौन इसलिए है क्योंकि जब बोलेंगे तो पता चल जाएगा इसमें कुछ नहीं है। बहुत अच्छा, कलयुग में लोगों को ठगना बड़ा आसान है, मौन है हमारे गुरु। ऐसे ही एक गुरु थे, किसी गांव में जाकर बैठे और गांव वाले उनका दर्शन करने आते थे और जो भी कुछ लाते थे भोग आदि, गुरु जी ऐसे ठुकरा देते थे, हम नहीं खाते। एक आदमी जिलेबी लेकर, जिलेबी जानते हैं, जिलेबी लेकर गया गुरु जी आपके लिए गरम गरम जिलेबी लेकर आया हूँ। गुरु जी ने ऐसा मारा 15-20 फुट दूर जाकर जिलेबी की, आदमी ने प्रणाम किया, कितने वैरागी हो आप, धन्य हो गुरु जी धन्य हो। आदमी चला गया घर पर, दोपहर के 12 बजे का समय हुआ, गुरु जी ने देखा कि आजू बाजू में कोई नहीं है, नीचे उतर कर जो जिलेबी गिरी हुई थी उसे साफ कर करके धीरे धीरे खा रहे थे। वो आदमी भी आपके नेपाल काठमांडू का था, वो पेड़ के पीछे से निकला, गुरु जी खाना ही था तो आपने क्यों फेंक दिया। ऐसे ऐसे गुरु की यदि शरण ग्रहण करेंगे तो प्रहलाद महाराज की भाषा में कहूं, अंधा यथांधे उपदीय माना। आपको रोड क्रॉस करना है और रोड क्रॉस करने के लिए मान लो आपकी आंखें नहीं, आप अंधे हो, और उस रोड क्रॉस करने के लिए किसी अंधे आदमी का हाथ पकड़ा तो वो भी जाएगा, हम भी जाएंगे। समंदर में डूब रहे हो और डूबते हुए कुत्ते की पांव पूंछ पकड़ ली तो कुत्ता भी बेचारा गिरेगा, हम भी मरेंगे। ऐसे गुरु की शरण ग्रहण करने का अर्थ है कुत्ते की पूंछ पकड़ना। इसलिए सदगुरु की शरण ग्रहण करें, और सदगुरु की व्याख्या है शाब्दे परेच निष्णांत, शब्द ब्रह्म में वो एक्सपर्ट होते हैं। क्योंकि एक बात समझ लीजिए, कोई भी गुरु अपने शिष्य का दुख या अपने शिष्य की समस्या का समाधान एक और मात्र एक उनकी वाणी से ही कर सकता है। कई बार कुछ लोग कहते ना, गुरु जी मंत्र मार के एक फल दे दीजिए। अब शिष्य खुद ही अपने आप को ठगाना चाहता है तो ठगने वालों की कहां कमी है। अब शिष्य के दिमाग में ही ये भरा पड़ा है, कोई श्रीफल दे देगा, श्रीफल में से चुंदी निकाल देगा, कोई कंकु तिलक चोखा कर देगा, कोई धागा बांध देगा, काम हो जाएगा। अब
लोगों के अंदर ही इतनी अंधश्रद्धा भरी पड़ी है तो ठगने वाले तो बैठे ही हैं। कोई हाथ पांव कुछ काम नहीं करता। गुरु से हम कुछ लेना चाहते हैं, गुरु से कुछ प्राप्त करना चाहते तो ओनली एंड ओनली मात्र उनकी वाणी से ही वो सपोर्ट कर सकते हैं। गुरु का सपोर्ट वाणी से होता है। और यदि कोई गुरु कहता है ये कंकु लगा दो, ये चोखा लगा दो, ये कर दो, समझो वो ठग है, वो पाखंडी है। वो हम बने गुरु तुम बने चेला, हम दोनों मिलकर करे ठेलम ठेला, वो नरक में गुरु भी जाएगा हमें भी लेकर जाएगा और वहां ठेलम ठेला होगा। ऐसे गुरु से बचते कलयुग में प्राय ऐसे है। इसलिए गुरु को चेक करना होगा। हमारे देश में कहावत है पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। हम पानी कितना छान के पीते हैं, आरओ प्लांट आरओ फिल्टर तीन तीन बार छान कर 70% पानी निकल जाता है, 30% बचता है। पानी कितना हम छान कर पीते हैं और गुरु एक ही सेकंड में बना लेते हैं। कंठी बांध दीजिए गुरु बन जाइए, ऐसा नहीं होता। गुरु को चेक करना होता है। और एक बार गुरु समझ में आ गए, शुद्ध गुरु की चरणों में चले गए, तो फिर गुरु का आदेश हमारे जीवन का लक्ष्य होता है। सो गुरु वो है जो शब्द ब्रह्म में निष्णांत है, जो शास्त्र बोले। और केवल शब्द ब्रह्म में निष्णांत ही नहीं, वो जो शास्त्र बोलते हैं उसका आचरण उनके जीवन में होना चाहिए। ब्रह्मणि उपश्रम आश्रयम, वो कृष्ण का प्रेमी होना चाहिए, वो रसिक होना चाहिए। ये है गुरु। कुल मिलाकर प्रसिद्ध श्लोक आप सब जानते हैं, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु कृष्णं वंदे जगद्गुरु। हमारी उपनिषद ने, हमारे वेदों ने, शास्त्रों ने क्या कहा कि वसुदेव सुतम देवम, वसुदेव का बेटा, और कंस चाणूर मर्दनम, और कंस चाणूर मुष्टि को मारने वाला वीर, और देवकी परमानंदम, और देवकी को आनंद देने वाला कृष्ण ही जगत गुरु है। इसका अर्थ इस दुनिया में सभी जीव सभी लोगों के गुरु कौन है, कृष्ण है। हम सबके बाय डिफॉल्ट यदि कोई गुरु है तो वह कृष्ण है। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने ही सारे वेद, सारा ज्ञान का जो भंडार है, ज्ञान का जो मूल स्रोत है, वो भगवान कृष्ण है। या आज हम जो स्कूल कॉलेजों में पढ़ते ना, वो और कुछ नहीं, वेदों के ही ज्ञान को तोड़ जोड़कर उन्हीं का रूपांतर, उन्हीं का अपभ्रंश धीरे धीरे करके हमारे स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई के रूप में आया है। अल्टीमेटली आखिर तो ये लिंक जो वेदों से ही करता है। तो वेद देने वाला कौन, कृष्ण। भगवद गीता जिसका प्रमाण है। तो हमारे मूल गुरु कृष्ण है। लेकिन प्रश्न होगा कि कृष्ण तो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली हमारे साथ नहीं है। और कृष्ण ने जो ज्ञान दिया वो मात्र स्मृति में था, और कलयुग के लोगों की स्मृति नहीं है। इसलिए कृष्ण के बाद जो कृष्ण ने वेदों का ज्ञान स्मृति में दिया, उस स्मृति के ज्ञान को वेदव्यास मुनि ने लिपिबद्ध किया, ग्रंथों के रूप में लिखा, ऐसे ग्रंथों के रूप में ताकि कलयुग के जीव उसे पढ़ पाए, समझ पाए, याद कर पाए। तो कृष्ण के बाद हमारे गुरु कौन हुए, वेदव्यास, ठीक है। क्योंकि कृष्ण ने जो कहा वेदव्यास मुनि ने लिखा।
अब वेदव्यास मुनि ने जो लिखा, और वेदव्यास मुनि पूरे जगत के गुरु हैं, इसीलिए जब व्यास पूर्णिमा होती है, आपके नेपाल में तो पता नहीं, वेदव्यास जी का जब जन्मदिन होता है तो गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, सारे गुरुओं की पूजा की जाती है, लेकिन गुरु का भी बाप, गुरु का भी गुरु जो है वो वेदव्यास है। और गुरु पूर्णिमा माने वेदव्यास मुनि का जन्मदिन। हमारे जो जितने भी गुरु हैं अल्टीमेटली व्यास मुनि के प्रतिनिधि हैं, उन्हीं का ज्ञान हमारे पास पहुंचा रहे हैं। कृष्ण मूल गुरु, उसके बाद कोई गुरु है तो वेदव्यास मुनि। अब करुणा ये है कि व्यास मुनि ने भी जो ग्रंथ दिए, शास्त्र दिए, वो सब संस्कृत में है, वो हम लोग सीधा सीधा समझ नहीं सकते। तो व्यास मुनि के बाद व्यास मुनि ने जो ग्रंथ, सदग्रंथ, शास्त्र दिए, उन शास्त्रों को, उन ग्रंथों को हमारी भाषा में जो हमारे पास पहुंचाए, वो शास्त्र पहले अपने जीवन में उतारे और दूसरों को जो समझाए, वो है वेदव्यास मुनि के बाद हमारे गुरु। इसलिए गुरु वो है जो व्यास, वेदव्यास मुनि का प्रतिनिधित्व करता है। किसी भी गुरु के पास जाओ तो उसे चेक करो कि ये जो बोल रहा है वेदव्यास मुनि के द्वारा लिखे गए ग्रंथ को ही बोल रहा है कि और कुछ बोल रहा है। व्यास मुनि ने जो ग्रंथ में लिखा है उसी मूड को, उसी भाव को प्रस्तुत कर रहा है कि ये अपने जेब से कुछ डाल रहा है। क्योंकि दुनिया में मैंने पहले ही कहा कि पाखंडियों की कोई कमी नहीं है, कई ऐसे गुरु हैं जो पूरी भगवद गीता कहते हैं और भगवद गीता के बाद गीता का सार है। गीता का सार है ब्राह्मण की सेवा करो, ब्राह्मण की पूजा करो, ब्राह्मण का डोनेशन दो, ब्राह्मण का जीवन चलाओ, क्योंकि खुद ब्राह्मण है, अपनी बिरादरी वालों का काम हो जाए इसलिए बस वही चलाया। गीता बोले लेकिन गीता का जो मूड था, जो भाव था, वो नहीं पकड़ा। तो कुछ लोगों ने भगवत गीता का सार दे दिया। हमारे देश में प्रत्येक दुकान पर लिखा होता है गीता सार। क्या सार है? दुकान हमारा मंदिर है, ग्राहक हमारे भगवान है, और उसको माल चिपका देना यही हमारा धर्म है। 10 का माल 20 में दे देना यही हमारा धर्म है। भगवत गीता का सार मैं खोज रहा हूं उस आदमी को कि ऐसा कैसा सार निकाल दिया गीता का। हमने गीता 500 बार पढ़ी या गीता में कहीं ऐसा नहीं लिखा गया। भगवत गीता तू वर्तमान में हमारे गुरु वही हो सकते हैं जो व्यास मुनि के द्वारा दिए गए ग्रंथ शास्त्रों को उसी मूड में, उसी भाव में हमें समझाए, खुद समझे, खुद जीवन में अप्लाई करे और हमें समझाए। कई बार ऐसा होता है कि वेदव्यास मुनि के ग्रंथों को, शास्त्रों को लोग बोलते हैं लेकिन जीवन में नहीं उतारते। और जो लोग शास्त्रों को बोलते हैं जीवन में नहीं उतारते, भगवान कृष्ण उसे गधा कहते हैं। क्या कहते हैं? वो गधा है। कृष्ण के मुख से निकला हुआ ये श्लोक है। कृष्ण कहते हैं यथा खर चंदन भारवाही भारस्य वेता नतु चंदनस्य तथाच विप्रा श्रुति शास्त्र युक्ता मदभक्ति हीनो खरवत वदंती। मलई पर्वत पर बहुत सुंदर सोने से भी अधिक कीमती चंदन उत्पन्न होता है, और उस मलई पर्वत के चंदन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए गधों का इस्तेमाल किया जाता है। गधों के ऊपर वह चंदन रखते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं। गधे उस चंदन को तो उठाते हैं लेकिन चंदन की महिमा नहीं जानते। मान लो किसी गधे के ऊपर 55 इंच का LCD स्क्रीन टीवी रखा है बॉक्स पैक करके, और वो गधा लेकर जा रहा है, गधा उसका वजन उठा रहा है, महिमा नहीं जानता। इसमें तो चैनलें आती हैं, इसमें तो स्पोर्ट्स भी आता है, फेवरेट टीवी सीरियल, वो कुछ नहीं जानता, वो केवल भार उठाता है। ठीक उसी प्रकार कुछ लोग शास्त्र बोलते हैं, श्लोक याद कर लेते हैं लेकिन जीवन में नहीं उतारते, उस गधे की तरह है, केवल शास्त्रों का भार उठा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। मूल गुरु कृष्ण, कृष्ण के बाद व्यास देव,
और व्यास मुनि के बाद हमारे गुरु वही हो सकते हैं जो व्यास देव के शास्त्र को एज इट इज जैसे हैं वैसे उस मूड में उस भाव में हमको समझाए। कई बार व्यास देव तो बाजू में ही पड़े रहते हैं, गुरु जी की अपनी कथा शुरू होती है, मैं ऐसा मानता हूं कि आप लोगों को ऐसा, तू जो मानते हैं तेरी पत्नी नहीं मानती है, हम क्यों माने। कई बार कुछ लोग बस अपनी बुद्धि से शुरू कर देते हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि ये समाज को बदल दो, समाज को सुधार, तो तू पहले अपने घर की दीवार तो सुधार। कई गुरु तो ऐसा शुरू हो जाते हैं, बस आप सब सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस अपना काम धंधा बिजनेस सब कुछ छोड़ दो, भजन करो, तो तेरा घर कैसे चलेगा, तू तो हमारे डोनेशन पर जी रहा है। कुछ कुछ न शास्त्र जानते हैं न जीवन में उतारते हैं, बस वैराग्य की बातें और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो गुरु नहीं। गुरु कृष्ण है, कृष्ण के बाद व्यास मुनि है, और व्यास मुनि के बाद जिस गुरु को हमें जीवन में बनाना है प्रैक्टिकल, वो चेक करे व्यास मुनि के शास्त्र को जीवन में उतारा है और उसी को बोल रहा है कि कुछ और बोल रहा है। सो ऐसे ही एक गुरु श्री नारद मुनि ध्रुव को मार्ग में मिल गए और ध्रुव को कहा, पहले तो परीक्षा हुई जैसे कल आपने सुना, और ध्रुव परीक्षा में पास हो गए और नारद जी ने कहा कि बेटा अब सुन, तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हें जो कहा है, जनन्या विहित पंथा सवे नृश्रेयस्य ते भगवान वासुदेवस्तम भजम त्वम प्रणयात्मना। बेटा तुम्हारी माँ ने तुम्हें जो मार्ग बताया है बिल्कुल सही मार्ग है, क्योंकि धर्म अर्थ काम और मोक्ष एक और मात्र एक वासुदेव भगवान कृष्ण की भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है। देखिए देवी देवताओं की उपासना करेंगे आपको छोटी मोटी वस्तु मिल सकती है, मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति तो मात्र मुकुंद ही दे सकते हैं, मुक्ति तो मात्र माधव कृष्ण ही दे सकते हैं, क्योंकि भागवत में वर्णन है पांचवें स्कंद में देवता भी स्वर्ग में भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप हम पर कृपा करो और हमको स्वर्ग से मुक्त करो, हमें मुक्ति चाहिए। जब देवता स्वयं मुक्त नहीं है दूसरों को क्या मुक्ति दे सकते हैं, मुक्ति एकमात्र कृष्ण देते हैं। बेटा तुम्हारी मां ने सही बताया है कि परम पुरुष भगवान कृष्ण की उपासना करो, तो जनन्या भीत पंता, और उसी से आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होगी। श्रीमद् भागवत में एक जगह पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित परीक्षित ध्यान से सुनो, किसी को क्या चाहिए तो किसकी उपासना करनी है। कहते हैं परीक्षित, यदि किसी को अन्न चाहिए तो अदिति की उपासना करे, सम्मान चाहिए तो आकाश की उपासना करे, स्वामी बनना है जो नेता है जिसको इलेक्शन में जीतना है वो ब्रह्मा की उपासना करे, इंद्रिय बल चाहिए तो रुद्रगण की उपासना करे। देखिए अब क्या चाहिए और किसके पास जाना, ये भी बुद्धिमानी। कुछ लोग हनुमान जी के पास जाकर कहते हैं कि हे हनुमान जी महाराज मैं कुंवारा हूं, लड़की ढूंढ रहा हूं, आप आशीर्वाद दो मेरी शादी हो जाए। हनुमान जी के मन में तो एक गदा इसके मस्तक पर मार दो, ये सीधा रॉन्ग नंबर लगा रहा है। हनुमान जी सोचते मैं खुद ब्रह्मचारी हूं, तेरी होती भी रहेगी तो मैं तुड़वा दूंगा, मैं होने नहीं दूंगा। क्या चाहिए और किसके पास जाना, शादी करनी है तो पार्वती के पास जाओ, सीता किसके पास गई थी, रुक्मणी किसके पास, ये सब। तो कहते हैं कि अन्न चाहिए तो अदिति की उपासना करें, और आगे कहते हैं रूपा भी काम हो, यदि रूप चाहिए तो गंधर्व की उपासना करे, स्त्रिया भी काम हो, यदि विवाह करना है स्त्री चाहिए तो उर्वशी की उपासना करें, सम्मान चाहिए तो आकाश की उपासना करे, स्वामी बनना है ब्रह्मा की उपासना करे। पति पत्नी के बीच में बहुत झगड़े होते हैं और इच्छाएं कि झगड़े न हो, वैसे झगड़े होने चाहिए, महीने में दो तीन झगड़े तो पति पत्नी के बीच में होने चाहिए, यदि न हो तो समझो कुछ गड़बड़ है।
खैर, तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी ने ये सारी बात बताई। परीक्षित महाराज ने कहा कि महाराज आपने कहा कि रूप चाहिए तो उर्वशी, ये चाहिए तो ये चाहिए तो ये, अब इसमें एक देवता की पूजा करेंगे जीवन निकल जाएगा, और पूरा जीवन एक देवता की पूजा करेंगे और मिलेगी केवल एक वस्तु। प्रभु किसी को इसमें से दो चीज चाहिए तो, किसी को तीन चाहिए, किसी को चार चाहिए, और मेरे जैसे आदमी को तो सब चाहिए। कुछ लोग कहते ना निष्काम हो जाओ, तू हो जा, हम क्यों निष्काम होंगे। मेरे तो आज तक समझ में नहीं आया, फल की आशा मत रखो, फल की आशा मत रखो, मतलब हम जॉब करें सैलरी की आशा ना रखे, कमाल है भाई। हाँ निष्काम अच्छी चीज है, निष्काम बड़ी चीज है, लेकिन हमारे हम संसारी है, हम सब गृहस्थ है, निष्काम जो है उसे हम प्रणाम करें, लेकिन हम निष्काम, मैं तो मेरी, आप तो सब पहुंचे हुए महात्मा हो, आप तो सब संत साधु, बस वैकुंठ के दरवाजे पर खड़े हो, आप तो बस ऐसे ही चेक करने आए हो कि क्या चल रहा है, लेकिन हम हमारे मेरे जैसी की बात करो, कितनी कामना है, कितनी कितनी कामना है, हमारे बच्चे बड़े हो, अच्छा पढ़ लिख जाए, अच्छी जगह पर बेटी की शादी हो जाए, हम भजन करें, हम बहुत बहुत प्रचार करें, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, कितनी कितनी कामना है, निष्काम का कहां। तो परीक्षित महाराज ने कहा कि इसमें से दो चाहिए, तीन चाहिए, पांच चाहिए, और किसी आदमी को ये सब कुछ चाहिए तो कोई उपाय है। सुखदेव जी ने कहा एक उपाय है परीक्षित, ये सारी चीज एक ही आदमी को मिल सकती है, एक काम करे तो। क्या करना होगा, अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदार धी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम। परीक्षित अकाम सर्व काम वा, यदि किसी के मन में कोई कामना ना हो या ये सारी कामना लेकर बैठा हो, इवन मोक्ष काम मुक्ति भी की भी कामना हो, अर्थात जीते जी रूप मिले, पत्नी मिले, बच्चे मिले, पति पत्नी झगड़ा ना हो, धन मिले, संपत्ति मिले, ये और मरने के बाद मुक्ति, ये सारी कामना भी यदि किसी के मन में हो, पूर्ण हो सकती है, करना क्या होगा, तीव्रेण भक्ति योगेन। शब्द के ऊपर गौर फरमाइए, तीव्रेण भक्ति योगेन। किसी बापू बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्या कहते हैं सुखदेव जी, तीव्रता से यदि कोई भक्ति करता है, राम और कृष्ण का नाम लेता है, तो जीते जी ये सारी वस्तु उनको प्राप्त हो जाए। तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम, तीव्रता से यदि कोई भक्ति करे तो ये सारी वस्तु उन्हें प्राप्त हो सकती है। भक्ति से सब कुछ प्राप्त होता है, भजन करे। ध्रुव को कहा बेटा तुमने सोचा तो परफेक्ट है, लेकिन कैसे भजन करना, कहां जाकर भजन करना है? ये तुम जानते हो, बोले ये मैं नहीं जानता। तो सबसे पहले नारद मुनि कहते हैं तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनाया तटम शुचि पुण्य मधुवनम यत्र सानिध्य नित्यदा हरे। बेटा ध्रुव, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए स्थान की बड़ी महिमा है। पहले तो बेटा मैं तुझे आशीर्वाद दूं, नारद ने ध्रुव के मस्तक पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया, बेटा मैं आशीर्वाद देता हूं, हे तात ते भद्रम, तुम्हारा कल्याण होगा, और निवेदन करूं बेटा तुम यहां से सीधे वृंदावन जाओ, क्योंकि वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गांव, वंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो
नाम। इस धरती के गोले पर सबसे उत्तम स्थान यदि कोई है तो ब्रज वृंदावन। रेगिस्तान में रहने वाली मारवाड़ की मीरा जब वृंदावन पहुंची तो गाने नाचने लगे। निको निको लगे वृंदावन हमें तो बड़ो निको, वृंदावन में घर घर तुलसी, दर्शन गोविंद जी को हमें तो बड़ो। मीराबाई ने बहुत सुंदर वृंदावन का दृश्य, अद्भुत वृंदावन, और वृंदावन की महिमा मैत्रेय मुनि नारद जी ध्रुव से कहते हैं सानिध्य नित्य दा हरे। सबसे बड़ी बात यह है कि वृंदावन को छोड़कर हमारे भगवान कभी बाहर नहीं जाते हैं। वृंदावनम परितज्यम पादमेकम न गच्छति, एक कदम भी कृष्ण बाहर नहीं निकलते। और दशम स्कंद में कहा राजधानी तत साभूत सर्व यादव भूभुजाम, मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। हरि जो है नित्य मथुरा में ब्रज में रहते हैं। गोदावरी के तट पर चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद से पूछा कि भक्त का वैष्णव का जीव का अंतिम स्थान क्या होना चाहिए, अपने मनुष्य जीवन का अंतिम समय कहां बिताना चाहिए। तब राय रामानंद ने कहा कि ब्रज वृंदावन जो जीव का अंतिम डेस्टिनेशन। तो नारद जी ने कहा कि वृंदावन जाओ और वृंदावन में 12 वन है, उस 12 वन में मधुवन में जाओ बेटा, मधुवन में जाओ और वहां जाकर पहले स्नान करो। देखिए धाम में जाने की सिस्टम सीख लीजिएगा। कहीं भी हम किसी भी धाम में जाते हैं तो वहां जो पवित्र कुंड सरोवर या नदी होती है सबसे पहले उसमें स्नान करना चाहिए, और स्नान करके बेटा प्रथम दिन उपवास करो। ये नियम है कि जब भी हम गोकुल मथुरा वृंदावन या किसी भी धाम में जाते हैं तो प्रथम दिन उपवास करना चाहिए। लेकिन हम तो रास्ते से ही फोन करके ट्रेन से कह देते हैं हम पहुंच रहे हैं, हमारा प्रसाद तैयार रखिएगा। खैर नारद जी ने कहा, और नारद मुनि ने कहा देखो बेटा और वहां जाकर यमुना में स्नान करो और फिर मधुवन में आप तपस्या करो। बेटा ये सतयुग चल रहा है और सतयुग में ईश्वर को प्राप्त करने का विधान है भगवान का ध्यान, ये भी समझ लीजिएगा। देखिए अलग अलग युग में सुखी होने के लिए या भगवान को प्राप्त करने के लिए अलग अलग उपाय होते हैं। इसलिए शास्त्र में लिखा है कृते ध्यायतो विष्णु, सतयुग में यदि भगवान को प्राप्त करना है तो ध्यायतो भगवान का ध्यान करने का विधान है। त्रेतायाम यजतो मखे, त्रेतायुग में ईश्वर यज्ञ करने से मिलते हैं। द्वापरे परिचर्यायाम, और द्वापर युग में बहुत धन पैसे खर्च करके भगवान की परिचर्या पूजा आदि करके भगवान मिलते हैं। तो फिर पूछा गया कलयुग में कैसे मिलेंगे, तो कहते हैं कलो तत् हरि कीर्तनात्। कलयुग में और कुछ नहीं, न ध्यान न यज्ञ न तप न बहुत धन पैसे खर्च करके परिचर्या, कलयुग में ईश्वर की प्राप्ति एक और मात्र एक उनका नाम लेने से हो जाती है, हरि नाम लेने से। हरि मैंने आपको गुरु की बात बताई ना भक्तों, गुरु को चेक करने का एक उपाय ये भी है कि जब आप उनका वक्तव्य सुनो, गुरु के वक्तव्य का पर्यवसान, पर्यवसान समझते हैं उनका एंड कंक्लूजन, जब कोई साधु बोलता है उनका कंक्लूजन हरि नाम होगा तो समझो ये सही जा रहा है, और उनके प्रवचन का कंक्लूजन कुछ और ही होगा समझो ये गड़बड़ कर रहा है, इसमें उसका कुछ स्वार्थ है। क्योंकि सारे वेद सारे ग्रंथ सारी कथा सारे शास्त्र आखिर तो हरि नाम में आकर ही रुकते हैं। फिर रामायण हो भागवत हो गीता हो या कुछ कोई भी ग्रंथ,
इस कलयुग में मात्र और मात्र हरि नाम से ही जीव का उद्धार हो सकता है। अन्य जितने भी उपाय है ओनली 1%, एंड हरि नाम जो है 99% काम करता है। तो सतयुग था, नारद जी ने कहा बेटा ध्रुव तुम्हें भगवान का ध्यान करना होगा। ध्रुव जानते हो भगवान कैसे हैं, कौन है? बोले मैं तो नहीं जानता। तब नारद मुनि कहते हैं ध्रुव भगवान विष्णु जो है वो श्याम वर्ण के हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, शंख चक्र गदा पद्म कौस्तुभ मणि धारण करते हैं, और वे भगवान अपने भक्त की ओर प्रसन्न मुद्रा में हंसते हुए देखते हैं। पूरा नारद जी ने डिस्क्रिप्शन दे दिया भगवान कैसे, क्योंकि ध्यान करने के लिए कुछ सुनना तो होगा। कलयुग में ध्यान मुश्किल है, कठिन, इम्पॉसिबल है। कलयुग में यज्ञ भी इम्पॉसिबल, कलयुग में एकमात्र हरि नाम ही पॉसिबल है। सो ध्रुव को कहा बेटा भगवान का ध्यान करना होगा। जानते भगवान कैसे हैं? भगवान श्याम वर्ण के सुंदर पीताम्बर मोर मुकुट धारण करते हैं और अपने भक्तों की ओर प्रसन्न मुद्रा में दे, ये कृष्ण की स्वाभाविक मुद्रा है। यदि आपको कोई पूछे कि कृष्ण की स्वाभाविक मुद्रा कैसी है, नारद मुनि उसका उत्तर ध्रुव को देते हैं, कृष्ण की स्वाभाविक मुद्रा है प्रसन्न वदन ईक्षण, प्रसन्न मुख से अपने भक्तों को देखना, ये स्वाभाविक मुद्रा। कृष्ण का स्वाभाविक रूप खिलखिलाते हुए हंसना, और आप लोगों का स्वाभाविक रूप आपके पड़ोसी को कभी पूछिएगा, आपके जो बाजू में बैठते ना उनको पूछना कि मैं जब बहुत बिजी हो जाती हूँ तो मैं कैसी लगती हूँ, बाजू वाले को कभी पूछो तो बताएंगे। हालांकि बताने जैसा नहीं होगा क्योंकि उसमें फिर झगड़ा ही होगा, लेकिन भगवान का स्वाभाविक रूप है हंसना और हमारा स्वाभाविक रूप है चिंता में रहना, चिंताग्रस्त आदमी 24 घंटा चिंता। सुबह उठता है लेट हो रहा है, घर से निकलता है ऑफिस में लेट हो रहा है, ऑफिस से निकलता है घर जाने में लेट हो रहा है। तो मेरी ये कथा के कारण आजकल फ्लाइटों में यहां वहां बहुत फ्रिक्वेंट मेरा हो चुका है। मैं तो रोज देखता हूं और मुझे आज तक समझ में नहीं आया, जैसे ही बंदा एयरपोर्ट में, एयरपोर्ट छोड़ो घर से ही, एयरपोर्ट जाना है लेट हो रहा है, एयरपोर्ट जाना लेट हो रहा है, बैग पैक करता है, अब गाड़ी में जल्दी चलाओ एयरपोर्ट लेट हो रहा है, उसको लेट ही होता है, बोर्डिंग पास लेना है जल्दी जल्दी, उसमें भी वो किसी की ध्यान नहीं होगा बीच में घुस जाएगा, लेट हो रहा है बोर्डिंग पास लेना है, बोर्डिंग पास मिल गया, सिक्योरिटी में भी लेट होता है, लेट हो रहा है, अब सिक्योरिटी में लेट हुआ, अब गेट के पास पहुंचे जब अनाउंसमेंट हुआ दौड़ कर जाएंगे आगे, जल्दी जल्दी मुझे जल्दी अंदर जाना है, जल्दी अंदर जाना है। चलो अंदर भी जल्दी चले गए, फ्लाइट उड़ती है 2-5 घंटा और जब लैंड करती है तो सबसे पहले खटखट करके उतर कर हमको लेट हो रहा है, मुझे समझ नहीं, अंदर जाने में भी जल्दी हो रही थी बाहर निकलने में भी जल्दी हो रही, मतलब तुझे है क्या, करना क्या चाहता है आदमी, बाहर भी चैन से नहीं जी पा रहा है अंदर भी चैन से नहीं जी पा रहा है। बाहर एयरपोर्ट में खड़ा है तो सोचता है कि फ्लाइट में जल्दी अंदर जाऊं, फ्लाइट के अंदर बैठा है तो जल्दी बाहर निकलो, मतलब आदमी को कहीं चैन नहीं है, कहीं चैन नहीं। ये हमारी स्थिति है भक्तों, चिंताग्रस्त, लेकिन भगवान की स्थिति स्वाभाविक प्रसन्न रहते हैं। कहा ध्रुव ऐसे भगवान का ध्यान करना, और मैं मंत्र, भले सतयुग है लेकिन सतयुग में भी ध्यान करते हुए मंत्र का तो सहारा लेना ही होगा। देखिए भगवान के नाम की कितनी महिमा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े सरल शब्दों में कह दिया कि चहु जुगु चहु श्रुतु नाम प्रभाऊ लेकिन कली विशेष नहीं आनी पाऊं। चारों वेदों में चारों युगों में नाम की महिमा है, और इसलिए नारद मुनि ने ध्रुव को कहा बेटा ऐसे भगवान विष्णु का ध्यान करना और ध्यान करते हुए 12 अक्षर मंत्र का जाप करना। सतयुग का ये मंत्र है, कलयुग का मंत्र तो एक ही है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कलयुग का एक ही मंत्र है, लेकिन सतयुग का मंत्र नारद मुनि देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेव। इस प्रकार से नारद मुनि से मंत्र लिया, मानो मंत्र दीक्षा हो गई। ध्रुव ने प्रणाम किया, नारद से आशीर्वाद। अब जिसको नारद गुरु मिल गए या जो नारद की परंपरा में गुरु मिल गए, वो तो भगवान से मिलना ही है। नारद जी से आशीर्वाद लिया, ध्रुव ने नारद की परिक्रमा की और नारद अपने रास्ते पर और ध्रुव निकल पड़े ईश्वर के मार्ग पर। सीधे ध्रुव वृंदावन में आए, यमुना में स्नान किए, उपवास किए, और आज भी ध्रुव टीला, आप वृंदावन मधुवन में जाओगे तो जिस पत्थर के ऊपर खड़े रहकर ध्रुव ने तपस्या की, आज भी वो पत्थर है। तो उस टीला के ऊपर खड़े रहकर ध्रुव महाराज तपस्या प्रारंभ किए। आइए हम भी उस 5 साल के बालक ध्रुव के साथ तपस्या करते हैं। वो तो बेचारा 6 महीना किया, हम 6 मिनट करेंगे और 6 मिनट में भगवान को यहाँ पर प्रकट करेंगे। लेकिन इन 6 मिनट के लिए न कोई खड़ा होगा। खैर, ध्रुव मधुवन में है, 5 साल का बालक तपस्या करने के लिए तैयार है, आइए हम भी ध्रुव के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपीथ बदराशन। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपीथ बदराशन। आत्मवृत्ति अनुसारेण असम निन्ये अर्चयन हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं, विदुर विदुर वृंदावन मधुवन में जाकर उस उत्तानपाद और सुनीति का बेटा 5 साल का था, तपस्या प्रारंभ किया। अपने एक पांव पर खड़े रहकर दोनों हाथ ऊपर करके ध्रुव महाराज ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के द्वारा, शब्द के द्वारा तपस्या। लेकिन तपस्या करते हुए इस तपस्या के प्रथम महीने में त्रिरात्रांते त्रिरात्रांतरे 3-3 दिन में एक बार, मैत्रेय मुनि कहते हैं 3-3 दिन में एक बार मात्र बेर खाकर जी रहे थे। ध्रुव महाराज 3-3 दिन में एक बार बेर खाकर तपस्या कर रहे थे। भाव से ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
तथामासम षष्ठे षष्ठे दिने त्रीण पर्णा दिवि शिरणे कृतानो अर्चयन् देवो ॐ नमो वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार तपस्या करते करते एक महीना बीत गया, एक मिनट में एक महीना बीत गया। अब दूसरा महीना प्रारंभ हुआ। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर पहले महीने में तीन तीन दिन में एक बार बेर खा रहे थे, अब दूसरे महीने में बेर खाना बंद, छह छह दिन में एक बार पेड़ के सूखे हुए पत्ते खाकर ये बालक तपस्या कर रहा है। भाव से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तृतीयम् च अन्यमासम् नवमे नवमे हनी अम्बक्ष उत्तम श्लोक उपाधावत समाधिना धावत समाधिना नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा महीना समाप्त हुआ, तीसरा महीना प्रारंभ हुआ। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि तीसरे महीने में ध्रुव ने नौ नौ दिन में एक बार मात्र जल पीकर तपस्या की है। देखिए, समझने जैसी बात यह है कि ध्रुव के जीवन में जैसे जैसे भक्ति बढ़ रही है, हैं? भक्ति में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, तपस्या बढ़ रही है, भक्ति में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तपस्या बढ़ रही है, और हमारा क्या है? भक्ति में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तपस्या नहीं बढ़ती, पेट बढ़ता है। मैं सच कहता हूं, ये जितने भी जब इस्कॉन ज्वाइंट नहीं किए थे बिल्कुल सूखे पतले थे, लेकिन जैसे ही भक्ति में आए इतना बड़ा पेट, जैसे गाड़ी में स्पेयर व्हील होता है वैसे एक स्पेयर पेट होता है। आप भोजन करो खाओ इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन भोजन से भक्ति का बड़ा नाता है। गीता में कृष्ण ने कहा, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। उपदेशामृत में रूप गोस्वामी कहते हैं, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जन संगश्च लोलियम से षड्भिर् भक्ति विनश्यते। अति आहार अति भोग भजन में बाधा बनते हैं। ये सारी बात समझ में आए ना आए, एक सीधी बात करता हूं। हमें कोई नई गाड़ी खरीदनी है, कोई मोटरसाइकिल मोटर बाइक या कोई कार, जब हमें खरीदना होता है हम शोरूम में जाते हैं, वो शोरूम वाला कहता है कि कौन सी कार चाहिए कौन सा मोटरसाइकिल चाहिए। अब धीरे धीरे पेट्रोल इतना महंगा होने लगा है तो हम सीधा कहते हैं कि जो जो ज्यादा माइलेज दे
जो कम पेट्रोल खाए और ज्यादा किलोमीटर चले, ऐसी गाड़ी चाहिए। और ऐसी गाड़ी देखते ही हम इसे ले लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। जो कम पेट्रोल खाए और ज्यादा माइलेज चले, हम ऐसी गाड़ी को स्वीकार करते हैं। ठीक उसी प्रकार जो कम भोजन करे और ज्यादा भजन करे, भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाया, ओम नमो भगवते वासुदेवाया, ओम नमो भगवते वासुदेवाया, ओम नमो भगवते वासुदेवाया। जीवन में जैसे जैसे भजन बढ़ रहा है, दिन बीत रहे हैं, तपस्या बढ़ रही है। ध्रुव ने प्रथम महीने में तीन तीन दिन में एक बार मात्र बेर खाते थे, दूसरे महीने में छह छह दिन में एक बार मात्र सूखे हुए पत्ते, तीसरे महीने में खाना बंद नौ नौ दिन में एक बार मात्र जल पीकर खड़े रहे, और भक्तों चौथे महीने में उस बालक ने पानी पीना भी बंद कर दिया। चौथे महीने में जल पीना बंद, और क्या बताए, पांचवे महीने में इस लड़के ने सांस लेना बंद कर दिया, और छठे महीने में ध्रुव का सांस बंद और भगवान के साथ ऐक्य भावना करने लगे। और जैसे ही ध्रुव की भगवान के साथ ऐक्य भावना हुई, जैसे ही ध्रुव का सांस बंद हुआ, मैत्रेय मुनि कहते हैं, आधार महदादी नाम प्रदान पुरुषेश्वरम, कहते हैं ध्रुव की तपस्या से ये धरती माता इतनी प्रसन्न हुई कि धरती डोलने लगी। जैसे किसी नौका में कोई हाथी अपना पांव रखे और वह नौका डोलने लगे, वैसे ध्रुव महाराज के चरण धरती से स्पर्श होते ही ये धरती डोलने लगी, प्राण हिलने लगा। और ध्रुव की सांस बंद होने से इस संसार में जितने भी जीव थे सबकी सांस बंद हो गई। सारे मनुष्य, गंधर्व, किन्नर, देवता, विद्याधर, चारण, सब लोगों के सांस बंद, और सब लोग भगवान विष्णु के पास। भगवान से कहने लगे, प्रभु ये क्या हो रहा है? तब भगवान विष्णु ने कहा कि और कुछ नहीं, ये मेरे 5 साल के भक्त की भक्ति का प्रभाव है। 5 साल के भक्त ने पूरे ब्रह्मांड को हिला कर रख दिया। देवता समेत लोकपाल भगवान से कहने लगे, प्रभु हमारा सांस रुक गया है, ये संसार तबाह हो जाएगा, ये ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, प्रभु आप कुछ कीजिए, आप ध्रुव के पास जाओ और
दर्शन और दिल का जय जयकार श्री कृष्णचंद्र भगवान। शंख चक्र सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षम सहार वक्ष स्थल को स्तुभ श्रिय नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुज। इस प्रकार भगवान विष्णु ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। ध्रुव की आंखें खुली और जिस रूप का वर्णन नारद ने किया, जिस रूप का ध्यान किया, साक्षात भगवान ध्रुव के सामने। मैत्रेय मुनि कहते हैं भगवान के सुंदर रूप को ध्रुव देखते रह गए। ईश्वर को प्रणाम किया और मानो अपनी आंखों से भगवान के रूप को पी रहे हैं। सुंदर रूप को ध्रुव पिए, प्रणाम किया, लेकिन अब उस 5 साल के बालक के मन में इच्छा हुई कि मैं भगवान को कुछ प्रार्थना करूं, कुछ स्तुति करूं। लेकिन क्या करें, करुणा ये थी कि ध्रुव को कोई श्लोक आता नहीं था। ध्रुव को कोई, क्योंकि 5 साल का बालक अभी तो एबीसीडी भी नहीं सीखा था, क ख ग घ भी नहीं आता था, भगवान को क्या प्रार्थना करे, क्या स्तुति करे। लेकिन हृदय में भाव था। भाव बड़ी चीज है भक्तों। भगवान शब्द नहीं, भाव सुनते हैं। इसलिए मेरे कृष्ण के विषय में कहा गया भाव ग्रही जनार्दन, ये भाव देखते हैं। एक बार एक बालक रोज स्कूल से वापस लौटते समय मंदिर में जाता, आधे घंटे तक भगवान के सामने खड़े रहता, चला जाता रोज डेली। अब मंदिर के पुजारी परेशान, एक दिन दो दिन एक महीना दो महीना पुजारी देखता है कि हम जब भगवान को प्रणाम करते हैं आधी एक दो मिनट में तो निकल जाते हैं, आधे घंटे तक खड़ा रहता है। उस पुजारी ने उस 5-7 साल के बालक को कहा कि तू यहां पर खड़ा क्यों रहता है। बोले मैं प्रार्थना करता हूं भगवान को। बोले इतनी लंबी प्रार्थना कौन सी है। बोले देखिए महाराज मुझे कोई प्रार्थना नहीं आती है। तो बोले तू खड़ा रहकर करता क्या है। बोले मैं एबीसीडी बोल जाता हूं, एबीसीडी और एबीसीडी बोलकर भगवान को कहता हूं प्रभु मुझे कुछ नहीं आता, ये पूरी एबीसीडी आपको दे रहा हूं, इसमें से आपको जो अच्छा लगे अपने से बनाकर स्वीकार कर लेना, इसमें से जो आपको अच्छा लगे आप खुद बनाकर स्वीकार कर लेना। क्या आपको नहीं लगता है कि उस बच्चे का भाव भगवान स्वीकार करते होंगे। ये भाव के भगवान है। ध्रुव का भाव था कि मैं कुछ बोलूं। भगवान तो भक्त का भाव समझते हैं ना। भगवान विष्णु के हाथ में वेदमयी पांचजन्य शंख था और वो पंचजन्य वेदमयी शंख भगवान विष्णु ने ध्रुव के गाल से स्पर्श किया। ध्रुव के हृदय में चारों वेदों का ज्ञान प्रकट हो गया, चारों वेद। ईश्वर यदि मेहरबान हो तो ज्ञानी बनने में देरी नहीं लगती। ईश्वर की यदि मेहरबानी हो तो। और ध्रुव के मुख में 12 श्लोक में जो स्तुति निकली है, अद्भुत स्तुति, उस 12 श्लोक की स्तुति के लिए 12 कथा करनी पड़ेगी तब जाकर इसे कंप्लीट करें। श्रीधर स्वामी ने कहा 12 आदित्य की तरह, सारे मान लो सारे वेदों का सार ध्रुव ने 12 श्लोक की स्तुति में दे दिया। सुंदर स्तुति ध्रुव ने, सो चारों वेदों का। और ध्रुव ने बहुत सुंदर स्तुति की। स्तुति का समय नहीं है, लेकिन इस स्तुति को सुनकर भगवान ने कहा बस ध्रुव बस,
मैं तुझसे प्रसन्न हूँ बेटा, जो चाहिए वो मांग लो। अब पॉइंट की बात तो अब आई। अब इतना कुछ उद्यम हुआ क्यों? ध्रुव ने इतनी मेहनत क्यों की थी उस गोद में बैठने के लिए ना, उस राज्य को प्राप्त करने के लिए। अब पॉइंट पर आ गए। भगवान ने कहा, ध्रुव बेटा मैं पूर्ण प्रसन्न हूं, जो चाहिए वह मांग ले। एक बार के लिए सोचो, उस समय हम होते तो इतना लंबा लिस्ट बनाते हैं, ये चाहिए ये चाहिए चाहिए, फिर ये भी कहते आज मैं भूल गई हूं, कल आप वापस आना मैं याद करके बताऊंगा। धन्य है ध्रुव। ध्रुव ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भक्ति का ये प्रभाव है, अन्य देवी देवताओं की भक्ति करोगे ना, कामना आज 2 है, कल 4 होगी, परसों 400 होगी, ये इतिहास साक्षी है। हम जिसकी कथा अब नेक्स्ट सुनेंगे, हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा की भक्ति की संतुष्ट नहीं हुई, रावण ने शिव जी की भक्ति की कोई संतुष्टि नहीं मिली, कंस ने दुर्गा देवी की भक्ति की, लेकिन राम कृष्ण विष्णु की भक्ति कुछ ऐसी है कि जैसे जैसे भक्ति करते जाएंगे सारी इच्छा ही खत्म हो जाएगी। ध्रुव ने कहा, प्रभु मुझे कोई इच्छा नहीं है। बोले, कुछ तो मांगो। हरि भक्ति सुहोदयी, शिल प्रभुपाद इसे कोट करते हैं, ध्रुव के मुख से सुंदर शब्द निकला। ध्रुव कहते हैं, स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम तं प्राप्तवान् देव मुनीन्द्र गुह क्वाचन विचिन्वन् अपि दिव्य रत्नम् स्वामी कृतार्थो वरम नया। वो 5 साल का बालक ध्रुव, ध्रुव भगवान से कहता है, प्रभु ईमानदारी से यदि मैं आपको कहूं ना, ईमानदारी से कहूं तो घर से निकला था बहुत बड़ी इच्छा लेकर, बहुत बड़ी इच्छा लेकर, स्थाना भिलाषी तपसी स्थितो हम, बहुत बड़ा स्थान की अभिलाषा थी, बहुत बड़ा राज्य चाहिए था, और इसी के लिए तो मैं तपस्या किया। और प्रभु क्या मैं नहीं जानता हूं कि मैं आपसे कुछ भी मांगू, कुछ भी आवाज करूं, आप मुझे दे सकते हो, क्योंकि ताम प्राप्त वान देव मुनिंद्र गुह्यम, आप सब कुछ देने में समर्थ हो, लेकिन प्रभु सुन लो कि आपके भजन में न जाने क्या चमत्कार है। प्रभु जब मैं आपका नाम लेने लगा, आपका भजन करने लगा, तो भजन करते 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 मेरी सारी इच्छा ही खत्म हो गई। और आज जब आप मुझे कहते हो कि बेटा जो 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 चीज के लिए आया था तू ले 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 ले, तो प्रभु क्वाचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामी कृतार्थोस्मि वरम न यांचे, मैं जिस वस्तु के लिए निकला था भजन करते करते आज मुझे एहसास हुआ कि जो चीज मैं चाहता था वो तो शीशे का टुकड़ा था, लेकिन आपकी भक्ति आपका दर्शन मुझे हीरा मिल गया, हीरा मिल गया। निकला था टूटे हुए शीशे के टुकड़े की खोज में और मुझे हीरा मिल गया। अब आप ही बताइए, जिसे हीरा मिल जाए वो शीशे का टुकड़ा कैसे मांग सकता है? जिसे हायर टेस्ट मिल जाए वो लोअर टेस्ट की ओर क्या देखेगा? प्रभु प्रभु मुझे आप मिल गए, आपका दर्शन मिल गया, मैं कृतार्थ हो गया, अब मुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं। अब कछु नाथन चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तो फिरती बार मोही जो कछु देवा सो प्रसाद में
हृदय। केवट की नौका से उतरकर भगवान रामचंद्र सोनी की मुद्रिका दे रहे थे। केवट ले लो ले लो, सीता जी ने कहा ले लो। लक्ष्मण जी ने आंखें लाल करके कहा ले लेना, क्यों भाव खा रहा है। गोस्वामी जी लिखते हैं, बहुत कीन प्रभु लखन सिय, परंतु नहीं कछु केवट लेन, बिदा कीन करुणा जतन, भक्ति बिमल बरुदे। नहीं लिया। केवट ने भी यही कहा, नाथ आज मैं काहू न पावा, मीटे दोष दुख दारी, बहुत काल में कीनी मजूरी। नाथ नाथ आज मैंने क्या नहीं पाया, अनंत अनंत जन्मों से महाराज मजदूरी करते आया हूं, मेरे करोड़ों जन्मों की मजदूरी का फल मुझे मिल गया। प्रभु आपका दर्शन मिला, आपके चरणों का धोवन मिला, आपकी भक्ति और क्या चाहिए। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। मुझे कुछ पा गया वो राज, वो चुप है खामोश, जिसे वास्तविक राज मिल गया, जिसे वास्तव में भगवान मिल गए ना, जो भगवान की शुद्ध भक्ति करता है और जो बुद्धिमान भक्त होता है, भगवान भी सामने आ जाए, वो भगवान से कुछ नहीं मांगता, जब मांगने की बारी आती है तो वो भगवान को ही मांग लेता है। मुझे तेरे से कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो तू चाहिए, दे सकता है। भागवत का एक असुर वित्रासुर, भागवत के छठे स्कंद में, भागवत के छठे स्कंद में एक असुर मरते मरते भगवान से कहता है, इंद्र के साथ दमासान युद्ध, और वित्रासुर कहता है इंद्र तेरे पास वज्र है, मैं नियत्ता हूं, मार दे मुझ पर, मैं तैयार हूं मरने के लिए। लेकिन इंद्र भी कांप रहा है कि ये कहीं मेरा या शस्त्र मेरी ऊपर न चला दे, कुछ होते ना छोटे कलेजे के। वित्रासुर का मन पूर्ण रूप से भगवान में, और वित्रासुर गाने लगा, अहम हरे तौ पादे कमूलम दासानुदासो भवितास्मि वो मन स्मरे सुपते गुणास्ते गृणीत वाक कर्म करो तुका। प्रभु मैं तो मरने जा रहा हूं, और मरते मरते एक असुर भगवान से कहता है कि प्रभु अहम हरे तव पादे कमूलम, इस जन्म में तो मैं असुर रहा, लेकिन अगले जन्म में आप अपने भक्तों के दासों का दास बना देना, मुझे आपके भक्तों का सेवक बना देना, मैं तो आपके भक्त का दास बनना चाहता हूं। मरते समय भगवान को याद किया, भगवान प्रकट प्रसन्न हुए, कहा वित्रासुर तुझे जो चाहिए वो मांग ले, क्या चाहिए। तब वित्रासुर कहता है, नानाक प्रीष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौम नरसाधिप न योग सिद्धि अपुनर्भवं वा समंजसत्वा वीरहका। भगवान साक्षात खड़े, जो चाहिए मांग ले। ननाक पृष्ठम, नाक माने स्वर्ग, ननाक पृष्ठम न चपार में, मुझे न स्वर्ग चाहिए, न पृथ्वी चाहिए, न ब्रह्मलोक, न स्वर्ग, कुछ नहीं। तब भगवान कहते हैं, वित्रासुर तो तुझे चाहिए क्या, प्रभु देना ही है,
तो आपका दर्शन मुझे दीजिए, मुझे तो आप चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। वित्रासुर रोते हुए कहते हैं, प्रभु जैसे जैसे गाय घास खाने के लिए वन में गई है और बछड़ा घर पर है, सुबह से लेकर संध्या हो गई, उस बछड़े को भूख लगी है और मां के दूध के अलावा कुछ नहीं पीता, और रोज तो 5 बजे आ जाती है, लेकिन आज गाय को घर पर आने में देरी हो रही है। गांव में रहने वाले को पता होगा, वो बछड़ा अपनी आंख दरवाजे पर टिकाए रखता है कि इसी दरवाजे से रोज मेरी मां आती है, आज क्यों नहीं आई। जैसे भूख से दुखी बछड़ा अपनी मां को आने की राह देखता है प्रभु, वैसे हम भक्त आपके दर्शन की राह देख रहे हैं, कब आप आओगे, कब हमें दर्शन दोगे। कोई पतिव्रता नारी है और उसका पति परदेश गया है और यहां उस पत्नी को, उस स्त्री को बहुत परेशान किया जा रहा है, और उस समय वह स्त्री सोचती है कि चलो आज तो ठीक है दुख है, लेकिन कल मेरा पति आएगा, मुझे सुखी करेगा मेरे दुख को। एक दुखी नारी, एक पतिव्रता नारी अपने परदेश गए हुए पति की राह देखती है प्रभु, ठीक उसी प्रकार हम आपकी राह देखते हैं कि कब आप आओगे, कब आप दर्शन दोगे। भक्त का ये भाव होता है। जो सच्चे भक्त होते हैं वो भगवान से कुछ नहीं मांगते, वो भगवान को ही। ध्रुव भगवान से कुछ नहीं मांगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मैं तो कृतार्थ हो गया। भागवत में 2 श्लोक में एक कथा है, छोटी सी कथा कह दूं फिर हम लोग कीर्तन करेंगे। एक बार कृष्ण लगभग 4-5 वर्ष के थे और गोकुल में फल बेचने वाली आई, कृणी ही भो फलानानी, कृणी ही भो फलानानी, संस्कृत में सुखदेव जी लिखते हैं, फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो। और आप तो जानते हैं हमारे भगवान को फल बहुत पसंद है। अब गीता में मांग मांग के क्या मांगा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। कुछ लोग कहते ना कि हमको शाकाहारी रहना चाहिए, मांसाहारी नहीं। गीता में सीधा भगवान कहते हैं मैं वेजिटेरियन, या पत्रम पुष्पम फलम तो, नहीं तो भगवान कहते ना मांस अंडा मछली तोयम, उनका क्या जाता। मांगा तो फल दो। तो फल वाली आई, फल को देखकर मुंह में पानी आ गया। कृष्ण यशोदा के पास गए। पहले के जमाने में बाटर सिस्टम होती थी, थोड़ा सा चावल का दाना लेकर कृष्ण जा रहे थे, नाम है अच्युत, लेकिन सारे दाने च्युत हो रहे थे धीरे धीरे, छोटा सा लड़का है। जब तक फल वाली के पास पहुंचे सारे दाने गिर चुके थे, 2-5 दाने बचे थे, और फल वाली को देखकर कहते ये ले और मुझे फल दे। अब फल वाली भी कृष्ण के रूप में क्या मोहित हो गई, कहा लाला ले लो, जितना चाहिए उतना ले लो। हमारे भगवान का स्वभाव है जब लेना शुरू करते हैं ना, भक्तों को अनुभव होगा कुछ नहीं छोड़ते हैं। शास्त्र का श्लोक है ना कि अर्जुन जिस पर कृपा करता हूं तेषाम अनुग्रहणामि, जो मेरी भक्ति करता है उस पर कृपा करता हूं, और कृपा करके क्या प्रभु क्या करते हैं आप, उसका सारा धन ले लेता हूं, कंगाल बना देता हूं। अच्छा फिर भी मेरी भक्ति करे तो दूसरी कृपा करता हूं, और क्या कृपा करते हैं, उनके फैमिली का साथ झगड़ा करवा देता हूं। ये हमारे भगवान टेढ़े, इनकी कृपा भी बड़ी टेढ़ी है। प्रायः भजन करने वालों का फैमिली में इतना जमता नहीं होगा, फैमिली वाले बस यही कहते ये तो भगत बन गए, ये तो हमारी ओर देखते भी नहीं है, फोन भी नहीं करते, ये भी नहीं वो नहीं, तो क्या तेरे फोन करने के लिए जीवन मिला है, भजन करने के लिए जीवन मिला है। लेकिन अंत में क्या कहते हैं कि धन चला जाए, स्वजनों से झगड़ा हो जाए, फिर भी कोई मेरा भजन करे तो देवताओं को भी दुर्लभ मैं मेरा वैकुंठ प्रदान कर देता हूं, मैं मेरा धाम।
देवानाम अपि दुर्लभम। फल बेचने वाली आई, कृष्ण ने सारे फल ले लिए। आज की फल वाली होती ना, कहती बोनी का टाइम है, देखो भाई कुछ तो देना पड़ेगा। और वास्तव में बिचारी का बोनी का टाइम था, स्टार्टिंग का टाइम था, लेकिन कृष्ण के ऊपर मोहित हो गए। कृष्ण के ऊपर मोहित हो गई और दो पांच दाने चावल के टोकरी में रखे। अब क्या था, अब तो घर वापस जाना था, सारा फल तो कृष्ण ले गए। अब घर जाने के लिए बीच में यमुना नदी थी, टोकरी नीचे उतार कर देखा तो सारी टोकरी कीमती कीमती हीरे मोती जवेरात से भर चुकी थी। आप ताली बजाओगे मुझे पता है, उसके बदले आप होते हैं तो आप नाचते हैं। तो बस भगवान ने फल दे दिया, भक्ति का फल। लेकिन यहां तो कुछ और है भक्तों, ये तो शुद्ध भक्ति महाभागवत है। ये वो जैसे ही देखा कि कीमती हीरे रत्न, वो फल वाली रोने लगी, रोने लगी और रोते रोते कहती है, बस श्याम सुंदर कृष्ण, ये धन देकर आपने मुझे ठुकरा दिया। आप ये समझते हो कि मेरे प्रेम की कीमत आप चुका रहे हो? कृष्ण, मैंने आपसे प्रेम किया है और प्रेम के बदले पैसा नहीं, प्रेम के बदले प्रेम चाहिए मुझे। ये है भागवत। सारा धन संपत्ति ठुकरा दिया, हमने प्रेम किया है और प्रेम के बदले प्रेम चाहिए, पैसा नहीं। कुछ लोग छोटे कलेजे के जो भगत होते हैं ना, कृष्ण की बड़ी भक्ति करते हैं और बड़ी भक्ति करने के बाद मांगते क्या है, जरा जॉब दिला दीजिए। तेरे भाग्य में होगा, परिश्रम करेगा, जॉब तो ऐसे ही मिल जाएगी। ये तो कैसे जानते हैं, कभी कभी छोटे छोटे बच्चे, पिताजी का मोबाइल हाथ में आ जाता है, 1.5 लाख का मोबाइल होता है और बच्चे ऐसे ऐसे खेलते हैं और पिताजी को आधा हार्ट अटैक आ जाता है। कहते चिंटू बेटा दे दो मोबाइल वापस, दे दो, नहीं मैं तो और उछालूंगा, और ऐसे ऐसे करते हैं। अरे बेटा टूट जाएगा, नहीं नहीं वो नहीं देते हैं। फिर वो पिताजी क्या करते हैं, 50 पैसे की चॉकलेट जेब में से निकालते हैं। मेरा चॉकलेट चाहिए, तो जो छोटे कलेजे के लड़के होते हैं ना, वो 50 पैसे की चॉकलेट लेकर 1.5 लाख का मोबाइल दे देते हैं। क्या ये घाटे का सौदा नहीं है? हम लोग इतनी बड़ी भक्ति करते हैं, प्रेम करते हैं और प्रेम के बदले पैसा मांगते हैं, जो आज है कल नहीं है। सुध्रुव महाराज ने कहा, प्रभु प्रेम किया है, इच्छाएं मेरी नहीं रही। श्री चैतन्य चरितामृत में स्वयं भगवान कहते हैं, अन्य कामी यदि करे कृष्णेर भजन, यदि किसी के मन में कितनी भी कामना है, वासना है, इच्छा है, अन्य कामी का अर्थ है किसी भी प्रकार की कामना, किसी भी प्रकार की इच्छा यदि दिल में हो, मन में हो, और इस इच्छा को लेकर अन्य कामी यदि करे कृष्णेर भजन, कृष्ण की भक्ति करता है, तो कृष्ण उनकी इच्छा तो पूर्ण करते ही है, लेकिन साथ ही साथ कृष्ण अपना चरण, अपना वैकुंठ भी प्रदान कर देते हैं। और हो न हो, यदि मान लो उस व्यक्ति ने कुछ गलत मांग दिया, कभी कभी होता है ना कि हमको मांगना भी नहीं आता है, यदि हमको मांगना आता तो हम भगवान से कितनी बार मांग चुके हैं और भगवान ने हमारी इच्छा भी कितनी बार पूर्ण कर चुके हैं। हमें मांगना नहीं आता क्योंकि एक बार मांगा, इच्छा पूर्ण हुई तो दूसरी बार मांगते हैं, ऐसा मांगे कि फिर दूसरी बार न मांगना पड़े। और हमने कुछ गलत मांग दिया तो क्या करेंगे? कृष्ण कहे आमा भजे, मांगे विषय सुख, अमृत छाड़ी विष मांगे, यही बड़ो मूर्ख है।
यदि भगवान राम से कृष्ण से मांगोगे तो हमारे लिए यदि वो गलत होगा ना तो भगवान उसे नहीं देंगे। और राम कृष्ण विष्णु को छोड़कर अन्य किसी भी देवी देवता से मांगोगे वो ये नहीं देखेंगे आपका बुरा होगा भला होगा, वो तो बस दे देंगे। कभी कभी हमारे ईश्वर राम कृष्ण विष्णु भगवान अपने भक्तों को मांगने पर भी नहीं देते हैं, और कभी कभी भगवान भक्तों से ले लेते हैं क्योंकि वो जानते हैं इससे इसका कुछ बुरा होने वाला है, इससे इसका कुछ गलत होने वाला है। और तत्कालीन स्थिति में हम उस बात को समझ नहीं पाते हैं, हम भगवान को दोष देते हैं कि मेरा क्यों लूट गया, मेरा क्यों चला गया, लेकिन कुछ कुछ भगवान का उसमें योग होता है। एक बात समझ लीजिए, उनकी बाजी कोई समझ नहीं सकता। वो जिस प्रकार से खेल खेलता है ना, हमारे बुद्धि की बात नहीं। इसलिए तो गीता में कहा ना, गहना कर्मणो गति, कोई नहीं समझ सकता। कृष्णेन अद्भुत कर्मणा, उनका कर्म उनका, लेकिन वो जो भी करते हैं अपने भक्त के अच्छे के लिए करते हैं। सुध्रुव महाराज ने भगवान से भजन किया और भगवान ने कहा, ध्रुव तू नहीं भी मांगेगा फिर भी मैं दूंगा। तो भगवान ध्रुव से कहते हैं, बेटा ध्रुव तुझे वो राज्य चाहिए था ना, मैं वरदान देता हूं 36,000 वर्ष तक। अब तुम्हारे बाप ने तो 36 सेकंड भी नहीं बैठने दिया, लेकिन 36,000 वर्ष तक इस भूमंडल के एक छत्र चक्रवर्ती सम्राट तुम रहोगे। इतना ही नहीं ध्रुव, मरने के बाद तुम मेरे धाम वैकुंठ में एक स्पेशल लोक ध्रुव लोक को प्राप्त करोगे। ऐसा ही हुआ, भगवान ने ध्रुव की इच्छा पूर्ण कर दी। आइए अब प्रहलाद चरित्र के ऊपर हम कथा प्रारंभ श्री गणेश कर देते हैं, कल इसे पूर्ण करेंगे। जैसे कि प्रथम दिन की कथा में हमने सुना कि भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण किया और हिरण्यकश्यपु का वध किया। अब हिरणाक्ष का वध किया, हिरणाक्ष का छोटा भाई हिरण्यकशिपु विष्णु का वैरी हो गया कि विष्णु ने मेरे भाई को मारा है, मैं विष्णु को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उस दिन के असुर भी जानते थे कि विष्णु कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है, उससे युद्ध करने के लिए शक्ति चाहिए, पावर चाहिए, और उस पावर को जुटाने के लिए, शक्तिमान बनने के लिए हिरण्यकश्यपु तपस्या करने गया। श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद में राजसूय सभा में यह कथा नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को सुनाते हैं और कहते हैं, हिरण्यकश्यपु राजन अजेय जरा मरम आत्मनम अप्रतिद्वंद एकराट्य व्यतीत सत। हिरण्यकशिपु राजन अजेय जरा मरम आत्मनम अप्रतिद्वंद एकराट्य व्यतीत सत। विष्णु से बदला लेने के लिए, शक्तिमान बनने के लिए, एक छत्र राज्य करने के लिए और अजर अमर बनने के लिए हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए मंदार पर्वत की तलेटी में पहुंचा और भयंकर तपस्या प्रारंभ की। कहते हैं, सतेपे मंदर द्रोण्याम तपह परम दारुणाम उर्ध्व बाहु नभो दृष्टि पादांगुष्ठा श्रिता बनी ही। मंदार पर्वत की तलेटी में जाकर दोनों हाथ ऊपर करके, अपनी दृष्टि ऊपर रखकर, केवल पांव के अंगूठे के ऊपर खड़े रहकर, बिना खाए कुछ पिए तपस्या प्रारंभ किया।
भयंकर तपस्या हिरण्यकश्यप शुरू किया, परंतु यह तपस्या ब्रह्मा के लिए कर रहा था। कहते हैं तप करते 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 जटा आदि तिभी रेजे संवार्तक इवाम शुभी तस्मीन तपह तप्य माने देवास्थानानि भैजी रहे। अब ये कोई सात्विक तपस्या नहीं थी, बड़ी तामसिक तपस्या, उग्र तपस्या थी। और तपस्या करते 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 36,000 वर्ष बीत गए। हमारे वैदिक इतिहास में सबसे बड़ी तपस्या थी ये। और हिरण्यकश्यप के शरीर से तस्य मूर्धन समुद्भूत स अग्नि स तपोमय, हिरण्यकश्यप के शरीर से एक अग्नि प्रकट हुई और तिर्यक ऊर्ध्व अधः लोकान, और वह अग्नि नीचे ऊपर आजू बाजू सभी दिशाओं को जलाने लगी। इसीलिए तपस्या किया था कि लोग परेशान हो। दसों दिशा में अग्नि जाने लगी, अग्नि स्वर्ग लोक में गई, देवता परेशान, सारे देवता परेशान होकर ब्रह्म लोक में गए और ब्रह्मा जी से निवेदन किए कि वो हिरण्यकश्यप आपके लिए तप कर रहा है, उनकी अग्नि से सारा लोक जल रहा है, आप उसे शांत कीजिए। देवता कह रहे हैं लेकिन ब्रह्मा फिर भी ध्यान में बैठे हैं। तब देवताओं ने कहा, देवता नीति जानते हैं, ब्रह्मा जी आप जानते हो तपस्या क्यों कर रहा है? वो तपस्या करके ब्रह्मा जी आपके ब्रह्म लोक को जलाकर वो आपके ब्रह्म लोक का राजा बनना चाहता है। ब्रह्मा की आंख तुरंत खुल गई। अच्छा, मेरी कुर्सी जाने वाली है? ब्रह्मा खड़े हो गए। सभी क्षेत्र में आग लगी हुई है, ये कुर्सी ने किसी को नहीं छोड़ा, चाहे समाज हो या संस्था, किसी को नहीं छोड़ा। ब्रह्मा तुरंत खड़े हो, अच्छा मेरे लोग मेरी सीट लेना चाहता है। तुरंत अलर्ट हो गए ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा अपने पुत्र भृगु दक्ष आदि को लेकर अपने हंस के ऊपर बैठकर हिरण्यकश्यप के पास आए। कहते 36,000 वर्ष तपस्या कर करके हिरण्यकश्यप के शरीर को कीड़े मकोड़े ने खा लिया था। हिरण्यकश्यप के शरीर पर बहुत बड़ा पहाड़ बन चुका था। ब्रह्मा जब हंस के ऊपर सवार होकर आए, पहले तो हिरण्यकश्यप को ढूंढा, ये है कहां, ये कहां बंदा, कहां तपस्या कर रहा है? लेकिन जब कान दिया तो आवाज आई, ओम ब्रह्म देवाय नमः। ब्रह्मा जी वहां गए और केवल हड्डी बची थी। हिरण्यकश्यप की तपस्या को देखकर ब्रह्मा की आंख में आंसू आ गए, इतनी बड़ी तपस्या। ब्रह्मा जी ने हाथ में कमंडल में गंगा जल लिया, अभिमंत्रित करके हिरण्यकश्यप पर छिड़का, उनका सुंदर वज्रमय शरीर बन गया और कहा, बस हिरण्यकश्यप, बस तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, तुम्हें जो चाहिए वह मांग लो। अब हिरण्यकश्यप ने तो तुरंत कहा, ब्रह्मा जी एक काम करो, मुझे अमर बना दो, मैं अमर बनना चाहता हूं। ब्रह्मा ने कहा, अमर तो मैं भी नहीं हूं, मुझे भी एक ना एक दिन मरना है। अब जो चीज मेरे पास ही नहीं है तुझे कैसे दूं? भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, आ ब्रह्म भुवना लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन मामु पेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्म लोक तक ब्रह्मा को भी एक ना एक दिन मरना पड़ता है। उम्र लंबी है लेकिन मरना तो ब्रह्मा को भी पड़ता है। हिरण्यकश्यप और कुछ मांग, ब्रह्मा ने ऐसे कान नहीं पकड़े तो इसने ऐसे पकड़वाए। बोले तो ठीक है, थोड़ा लंबा लिस्ट है, जरा एक कागज पेन लो लिखो। ब्रह्मा ने निकाला, बोलो क्या चाहिए? हिरण्यकश्यप ने कहा, लिखो, मैं ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, अंदर न मरूं, बाहर न मरूं, दिन को न मरूं, रात को न मरूं, सुबह न मरूं, शाम को न मरूं, मनुष्य से न मरूं, मेरे भाई को पशु ने मारा है, पशु से भी न मरूं, अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं, गिले से न मरूं, सूखे से न मरूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, तू मरेगा किससे?
नहीं, आपने कहा आप दोगे, ब्रह्मा जी ने सारी चीज लिख दी और कह दिया तथास्तु, तथा अस्तु, तूने जैसे कहा है वैसा ही होगा, सिग्नेचर ब्रह्मा जी ले जा, सर्टिफिकेट दे दिया। और ब्रह्मा का सर्टिफिकेट लेकर इस आदमी ने जो आतंक मचाया है, इसने जो त्रांडव रचा है। अब देखो, एक तो जब किसी गलत आदमी के पास पावर आ जाता है ना, तो उस पावर का बड़ा मिसयूज होता है, और हिरण्यकश्यपु का आतंक पूरे एक अध्याय में वर्णन है। मुझे तो ये पात्र अच्छा लगता है, मेरे टाइप का आदमी है, लेकिन क्योंकि आखिर तो भगवान का पार्षद है ना, जय विजय ही ये बनकर आए। हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से सर्टिफिकेट लेकर, ब्रह्मा तू निकल, अब मैं देख लूंगा। सबसे पहले हिरण्यकश्यपु गया पाताल में, पाताल में जाकर नाग लोग, ये लोग वो लोग, सब के साथ युद्ध किया, सबको जीत लिया, लेकिन पाताल में इतना इंटरेस्ट नहीं था। अब आया पृथ्वी लोक पर, पृथ्वी लोक पर अपने सारे सैनिक को आदेश दे दिया कि जितने भी साधु संत महात्मा विष्णु की भक्ति करते ना, सबके घर जला दो। साधुओं की साधना बंद कराओ, भक्तों की भक्ति बंद, ऋषि मुनियों की अग्नि बंद, ये मेरा आदेश है। और जो लोग चोरी करते, डाका डालते, मांस खाते, उसको सब्सिडी देना शुरू करो, उसके लिए घर बना दो। आम पेड़, आम का पेड़ साल में 3 महीने आम फल देता है ना, हिरण्यकश्यपु के आतंक से तुझे 12 महीना आम देना पड़ेगा, 12 महीना आम निकलती, पेड़ पौधे भी। और हिरण्यकश्यपु दुनिया में जितने भी राजा थे सबको ललकारा, मेरे साथ युद्ध करो, नहीं तो मेरा शरण ग्रहण करो। राजा अपनी पूरी सेना लेकर युद्ध करने हिरण्यकश्यपु के पास आते, और जब युद्ध शुरू होता, हिरण्यकश्यपु कहता, रुक रुक रुक, ये ब्रह्मा का सर्टिफिकेट पढ़ ले पहले। ब्रह्मा का लेटर हेड था, ब्रह्मलोक का सर्टिफिकेट, ऊपर न मरे नीचे न मरे, दिन को न रात को न सुबह शाम, न अस्त्र शस्त्र, न मनुष्य से पशु से, और ब्रह्मा जी सिग्नेचर। वो राजा वो सर्टिफिकेट पढ़कर पानी पानी हो जाता, माई बाप आपको कौन मार सकता है, तो शरणों में गिर जाता। ऐसा करते करते हिरण्यकश्यपु ने पूरे पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर लिया, बहुत बड़ा आतंकवादी बन गया। पाताल जीता, पृथ्वी जीता, अब गया स्वर्ग में, देवताओं के साथ युद्ध, ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करके हिरण्यकश्यपु देवताओं को भी हरा दिया, स्वर्ग के आसन पर। अब हिरण्यकश्यपु के अनुचरों ने कहा, प्रभु पाताल भी अपना, पृथ्वी भी अपनी, स्वर्ग भी अपना, अब रहेंगे कहां, चॉइस है अपने पास, चॉइस है, पाताल में भी रह सकते हैं, पृथ्वी में भी रह सकते हैं, स्वर्ग में भी। इंद्र ने कहा, उसमें पूछने की क्या बात है, स्वर्ग में ही रहेंगे। बोले स्वर्ग में कहा, अमरावती इंद्र के आसन पर हम बैठेंगे। इंद्र भिंद्र तो ये तो सब लोग सेवा में लग गए, और हिरण्यकश्यपु इंद्र के आसन पर जाकर बैठा और सब लोग सेवा में। लेकिन दुख के साथ नारद मुनि कहते हैं कि आदमी कितना भी ऊपर चला जाए अपनी आदत नहीं भूलता। स्वर्ग में जहां देवता फल का ताजा जूस पीते हैं रात दिन, ये स्वर्ग में इंद्र के आसन पर बैठकर दारू पीने लगा, वो भी देसी थैली वाली, थैली खोल खोल कर पीता था विनोद भाई। अब आप कहोगे मुझे कैसे पता है देसी दारू पीता था, भागवत में लिखा है, नारद जी कहते युधिष्ठिर स्वर्ग के आसन पर बैठकर तीव्र गंधिना, उग्र गंधिना, तीव्र गंध वाली दारू पीता था। तो इतना तो समझ में आता है ना, हम फ्लाइटों में सफर करते हैं, बाजू वाले पीते हैं, इतनी गंध नहीं आती है, लेकिन ये साले देसी पीते हैं ना, तो 10 फुट दूर भी गंध आती है, यहां से समझ में आता है ये देसी पीता होगा। बहुत बड़ा सिद्धांत दे दिया नारद मुनि ने कि देखो क्षेत्र का, स्थान का लिहाज करना चाहिए। कोई साधारण जगह पर पाप करेंगे तो तीर्थों में जाने से वो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन तीर्थ में जाकर पाप करेंगे तो कभी खत्म नहीं हो सकते हैं।
तो इस प्रकार हिरण्यकश्यपु तीनों लोगों का राजा, तीनों लोगों का भगवान बन गया। सबको आदेश दे दिया, सबके घर पर मेरा फोटो होना चाहिए, रोज सुबह हार माला और मेरी आरती। और भगवान कौन है? बोले हिरण्यकश्यपु। तीनों लोगों का भगवान बन गया। कथा नारद जी सुनाते हैं। नारद कहते हैं कि युधिष्ठिर, मैं नारद, मेरी वीणा पर 2400 घंटा नारायण का नाम लेने वाला, लेकिन जब हिरण्यकश्यपु के पास में जाता था तो मैं भी कहता था हिरण्यकश्यपु महाराज की। मतलब आप लोग क्यों जय बोले? यहां हिरण्यकश्यपु का राज नहीं है, यहां तो नेपाल के राजा कौन है? राजा नहीं है अभी तो, प्राइम मिनिस्टर तो होंगे, लेकिन अच्छाई है, आखिर भगवान का पार्षद ही है, जय बोलना चाहिए। लेकिन तीनों लोगों का भगवान बन गया। हमारे देश में कहावत है कि जिसको कोई ठीक नहीं कर सकता उसको उसका बेटा ठीक कर देता है। हिरण्यकश्यपु के चार पुत्र, सबसे छोटा पुत्र 5 साल का जिसका नाम था प्रहलाद, जिन दिनों पूरी दुनिया, तीनों लोक हिरण्यकश्यपु को भगवान कहते थे, उसी समय उसका छोटा लड़का प्रहलाद अपने पिताजी को भगवान नहीं कहता था। भगवान तो छोड़ो, बाप भी नहीं कहता था। तो क्या कहता था? जब भी कुछ कहना होता कहते हैं हे असुरों के सरदार, ऐसा लिखा है भागवत में। तत्साधु मनिये असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विघ्न धियाम असद्ग्रात इत्वात्म पातम ग्रीमंद कूपम वनम यतो यत हरिमाश्रयेत। असुरवर्य, असुरों के सरदार। पर आश्चर्य तो यह था कि बेटा बाप को कहता है असुरों का सरदार, बाप को बुरा भी नहीं लगता था। वो सोचता था मेरा लड़का मेरी पोजीशन समझ रहा है, अल्टीमेटली असुरों का सरदार ही तो हूं, असुरों का मालिक तो हूं। सारे देवता, अब देखिए अन्य अवतारों में तो क्या था कि जब धरती पर पाप बढ़ता था तो सारे देवता क्षीर सागर जाते, है ना। राम अवतार में क्या हुआ? देवता क्षीर सागर पर जाते। कृष्ण अवतार में क्या हुआ? क्षीर सागर पर जाते, भगवान को प्रार्थना करते, जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवन सीताराम, सीताराम राम राम सीताराम, राम राम सीताराम राम। गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम। पालन सुरहरणी अद्भुत करणी पर मन जान ही को सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम। जो वेदों में पुरुष सूक्त स्तुति कही गई है गोस्वामी तुलसीदास जी ने सरल शब्दों में बता दिया। देवता प्रार्थना करते, भगवान प्रकट होते, लेकिन हिरण्यकश्यपु का इतना आतंक था कि अपने घर पर ऐसा नौकर चाकर सीसीटीवी कैमरा बना कर रखा था कि तुमको मंदिर में भी नहीं जाना है। देवता हिल भी नहीं सकते थे, बिल्कुल टाइट सिक्योरिटी करके रखी थी। अब क्या करें? एक दिन हिरण्यकश्यपु कहीं चोरी लूटफाट करने गया होगा। देवता ने सोचा क्षीर सागर तो नहीं जा सकते, जहां खड़े हैं यहीं से पुकारते हैं। लेकिन बहुत सुंदर भागवत में लिखा है कि 33 करोड़ देवता एकत्रित हुए और कहते हैं तस्मै नमोस्तु काष्ठाये, प्रभु हम आपके पास नहीं आ सकते, लेकिन जिस दिशा में आप रहते हैं, जिस दिशा में एक बार कोई चला गया तो वापस नहीं आता,
इस दिशा को हम प्रणाम करते हैं। अनिद्रा देवताओं ने सोना बंद कर दिया, वायु भोजना देवताओं ने भोजन बंद कर दिया, और जैसे ही सोना छोड़ दिया और भोजन छोड़ दिया और भजन शुरू किया, तुरंत कहते हैं तेषाम आविर्भूत वाणी, भगवान प्रकट हो गए, प्रकट हो गए, भगवान की वाणी प्रकट हुई। देवताओं ने कहा प्रभु कब मारोगे, झाड़ू मार मार के थक गए हम, पोचा लगा लगा के जल्दी आओ। भगवान ने कहा चिंता मत करो, यदा देवेशु विप्रेशु गोशु विप्रेशु साधुषु धर्मे मही च विद्वेश सवा आसु विनश्यति। जब कोई गाय से द्रोह करता है, धर्म से द्रोह करता है, साधु से द्रोह करता है, उसका विनाश। देवताओं ने कहा प्रभु ऐसे गोल गोल घुमा के मत कहो, सीधा कहो आप कौन सी तारीख को आओगे, हम परेशान हैं। तब भगवान ने कहा कि यदा जिस समय ये अपने साधु चरित्र पुत्र के ऊपर अपने पुत्र प्रहलाद को मारने का प्रयास करेगा, ब्रह्मा भले वरदान दिया है उस वरदान को भी पार कर जाऊंगा, प्रकट होऊंगा और हिरण्यकश्यपु का वध कर दूंगा, ऐसा कह के भगवान चले गए। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद।